ये बुद्ध की है देशना, ये बुद्ध की है देशना। धम्मपद की देशना है बुद्ध की ये देशना। फ्राइडे फैमिली की ओर से तुम्हारी भक्ति टीम ने पूरी पूरी क्षमा याचना कर ली है। अब ये ताली किस बात की मुझे पता नहीं, लेकिन अवनीश मैं तुम्हें क्लियर क्लियर बता दूं कि मैं नाराज नहीं रह सकती। कुछ तो उसके आध्यात्मिक कारण है, क्योंकि अपनी स्थिति ही ऐसी नहीं है कि ज्यादा देर तक दुख की संवेदना में रहे। दूसरा, ये नाराज शब्द ही ऐसा है, ना राज, मैं राज के बिना रह कैसे सकती हूं। तुम गलतियां करोगे, तुम चुकोगे, बहुत अच्छा है। और फ्राइडे का जो सत्संग हुआ उसको मैं अपनी डायरी में, मैंने उसको उन पेजेस में महासत्संग लिखा, महासत्संग। भले ही वो सत्संग अपलोड नहीं होगा, यूट्यूब पर नहीं आएगा, लेकिन उस सत्संग को मैंने महासत्संग लिखा अपनी डायरी के अंदर, क्योंकि समझाने के अलग अलग ढंग हैं और वो सभी ढंग बुद्धि को छू भी रहे हैं तुम्हारे, और इसीलिए हजारों और लाखों की संख्या में आप सब इन सत्संगों को व्यू कर रहे हैं। फ्राइडे के दिन जो सत्संग हुआ उसने तुम्हारी बुद्धि को नहीं, तुम्हारे हृदय को छुआ, और इसलिए मैंने पाया उस दिन, रात को 12 बजे तक तुम लोग मेरे साथ बैठे थे घर पर, मैंने उस दिन पाया कि 10-10 वर्षों से तुम्हें जो बात समझा रही थी और जो तुम भी बुद्धि से ग्रहण कर रहे थे कि आज्ञा ही धर्म है और आज्ञा ही तप है, आज्ञा ही सर्वोत्कृष्ट है, यदि इस मार्ग पर आगे बढ़ना है तो आज्ञा ही एकमात्र आधार है जो हमें उस आत्मिक ज्ञान की तरफ आगे धकेलती है। क्या ये मैंने पहली बार कहा था? 10 वर्षों से, जब से SRM की स्थापना हुई है, तब से मैं आज्ञा की महिमा आप सबको बता रही हूं, और अच्छा है तुम सुन रहे हो, तुम सुनते सुनते मेरे साथ कहीं ना कहीं संबद्ध होते जा रहे हो, तुम मेरे साथ कनेक्टेड होते जा रहे हो। और इसलिए उस दिन कुछ ऐसी घटना घटी कि तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ का इस हद का था कि जब तुमने कुछ गलती की, उन लोगों में से, फ्राइडे सत्संग फैमिली छोटा सा है, लगभग 125 लोगों का, लेकिन उनमें से 50-60 लोगों ने कुछ गलती करी, तो जो कुछ भी कहना हुआ, जिस माध्यम से, शब्दों के माध्यम से या आंसुओं के माध्यम से जो कुछ भी कहना हुआ, उस दिन वो बात तुम्हारे दिमाग को नहीं, तुम्हारे दिल को छू गई। और इसलिए तुम सब ने उस दिन निश्चय किया कि अब प्रभु आपकी जो भी आज्ञा होगी उसे 48 घंटों के अंदर अंदर हम उसको पूरा करने की कोशिश नहीं, हम उसको पूरा करने का निश्चय करते हैं। सिखाने का ढंग है ये प्रकृति का ढंग है, उसने इस तरह से सिखाया तुम्हें। मैं तो वर्षों से तुम्हें कह रही थी कि आज्ञा मिले उसे 48 घंटों के अंदर पूरा करो, तब तक गुरु उत्प्रेरक की तरह मौजूद है। गुरु इज देयर एज अ कैटलिस्ट, विदिन 48 आवर्स गुरु की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतनी देर तक सस्टेन करती है, मैक्सिमम 48 आवर्स तक कर सकती है। तो उतने देर के अंदर तुम इस आज्ञा को धारण कर लो, ये तुम्हारे रूपांतरण का कारण बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं तुम सुन तो रहे थे पर तुम्हारे पास समय नहीं था, इजंट इट? वो जो 50 लोग थे उनके पास समय नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, समय नहीं था तो भी क्या है, तुम मेरे साथ कनेक्टेड थे ना।
कनेक्टेड थे, इसलिए जहां यहां से एक आंसू टपका और वहीं पर तुम लोगों के हृदय के अंदर भी कुछ कुछ हुआ। यहां कुछ नहीं हुआ गा, उस दिन तुम्हारा सिर दुख गया सत्संग के बाद, कि उस दिन तुम्हारी हार्ट बीट्स थोड़ी तेज हो गई। क्या हुआ? अनुभव से कहना, उस दिन तुम्हारा सिर नहीं दुखा। तुम सब भी, तुम तो मेरे से भी ज्यादा रोए, सब जेंट्स कहो, लेडीज कहो, फेमिनिन मैस्कुलिन, सारी एनर्जी उस दिन तो रो रही थी। तुम सब इतना रोए, लेकिन रोने के बाद तुम्हारा सिर नहीं दुखा। रोने के साथ साथ तुम्हारे दिल की धड़कन और बढ़ी, और उस बढ़ती हुई दिल की धड़कन के अंदर तुम्हारा ये निश्चय गया कि गुरु आज्ञा को 48 घंटे के अंदर उठाना है। मेरा कार्य संपन्न हुआ, मेरा कार्य खत्म हुआ उस दिन के सत्संग का। क्योंकि जो तुम्हें बोध देना है गुरु को कि आज्ञा की महिमा है, और उस दिन तुम्हारे हृदय ने ये बात स्वीकार की, ग्रहण करी, और हृदय से अब वो आगे कैसे ब्रेन तक पहुंचेगी और वो कैसे आगे कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट करेगी, ये पूरा आज का विषय है हमारा। तो हमें तो खुश होना चाहिए कि पूरी माँ प्रकृति ने इतने लोगों के साथ ऐसा इंतजाम किया कि आज जो मैं तुम्हें समझाने वाली हूँ उसका प्रैक्टिकल डेमो हमें फ्राइडे के महासत्संग के अंदर मिल गया। Isn't it? और तुम लोगों की अंदर की शर्मिंदगी मैं आज भी फील कर पा रही हूँ। कल भी अवनीश को देखा, प्रकाश रवि को देखा, तो मेरे सामने आए थे लेकिन आंख नहीं मिला पा रहे थे। मैं आज भी जब वहाँ से आ रही थी तो कल्पेश प्रभु को देखा, ये गगन प्रभु को देखा, ये सब लोग जो भी रास्ते में खड़े होते हैं। आज भी वंदन के करते समय, हर बार तो वंदन करने में मेरा चेहरा देखते हो तुम लोग, प्रभु कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसा ही कुछ देखते हो क्या? क्या देखते हो कि आज क्या नया चेहरे पर करके आए हैं? तुम हर बार मुझसे आंखें मिलाने की कोशिश करते हो, लेकिन आज मैंने देखा लगभग जितने डिफॉल्टर्स थे, इवन रविंदर प्रभु वगैरह जितने डिफॉल्टर्स थे, सभी की आंखें झुकी हुई थी। तुम्हारी ये शर्मिंदगी तुम्हारे लिए ज़रूरी है, और ये मेरे लिए भी मंजूरी है कि तुम लोग इस मार्ग पर एक कदम और ऊपर चढ़े हो, आगे बढ़े हो, नहीं एक कदम और ऊपर चढ़े हो। आगे बढ़ते बढ़ते बस ये संबंध बनाना था एक गुरु के साथ। 10 वर्षों में तुमने मेरे साथ ये संबंध बना लिया, मैं मान सकती हूँ। उस दिन की सभा को देखकर मैं मान सकती हूँ। जो डिफॉल्टर्स नहीं थे वो भी कितना रोए, वो भी कितना दुखी थे। तो 10 सालों के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते इतना तो जरूर हुआ कि तुम्हारा और मेरा संबंध बन गया, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम मेरी बातों से सहमत थे। लेकिन 10 वर्षों के बाद एक दिन एक ऐसा महासत्संग उतरा हमारे बीच में, 27 अक्टूबर, मार्क द डेट, सितंबर, मार्क द डेट, कि एक ऐसा सत्संग उतरा हमारे बीच कि जहां आगे बढ़ने वाले साधक सभी ने एक ऐसी लीप ली, एक ऐसी छलांग ली कि आप सब अब बुद्धि से नहीं हृदय से निर्णय करने लगे। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ माई फ्राइडे फैमिली। जो डिफॉल्टर्स थे सबकी मेल आई मेरे पास, जो मेल नहीं कर पाते थे उन सबने गौतम प्रभु को मैसेजेस डाले, लगभग सबकी मेल आई है मेरे पास। जो डिफॉल्टर्स नहीं थे उनकी भी मेल्स आई, वो भी खुश नहीं थे। और यदि कोई खुश था तो उसे अपने आप को एक चांटा मारना चाहिए आज। यदि कोई खुश था, किसी एक जने के चेहरे पर मुझे कुछ खुशी दिख रही थी कि हमने आपकी आज्ञा का पालन किया है, इतने लोगों ने नहीं किया, तो उस इंसान को, यदि वो खुश था इस बात को लेकर, तो उसे इसी सत्संग के दरमियान अपने आप को एक चांटा मार लेना चाहिए। क्योंकि यदि अपने को साधक, अपने सह साधक के किसी भी गलती के कारण, या अपने गुरु के आंखों में आंसू देखने के बाद भी तुम्हें मुस्कुराने का मन करे, तुम्हारी आंखों में से आंसू ना आ सके, इसका मतलब ये है वी आर नॉट येट स्पिरिचुअली कनेक्टेड। तुम अभी स्पिरिचुअल वननेस को समझे ही नहीं हो। भले तुमने गलती नहीं की तो क्या हुआ? 50-60 लोग ऐसे थे जो पढ़कर आए थे, 50-60 लोग ऐसे थे जो पढ़कर नहीं आए थे। तो क्या हुआ कि तुम पढ़कर आए थे? लेकिन इफ यू आर लिविंग विद मी ऑन दिस पाथ ऑफ स्पिरिचुअल वननेस, अगर तुम इस आध्यात्मिक एकता के मार्ग पर चल रहे हो, तो तुम्हारे गुरु का दुख तुम्हारी आंखों में से बहना चाहिए, और तुम्हारे सह साधकों की गलती तुम्हें भी तकलीफ देनी चाहिए। तुम्हारे चेहरों पर मुझे मुस्कुराहट बिल्कुल नहीं मंजूर।
इसलिए जिसने भी ऐसा किया है, चिट्ठी लगभग पहुंच गई है, उसे अपने आप को इसी सत्संग के दरमियान वो चांटा मार लेना चाहिए. वी आर ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल वननेस. अगर इस आध्यात्मिक संगठन में भी अभी तुम्हें सब मेरे और मैं सबका नहीं फील होता, तो इसके बाहर तो कहां से फील होगा. लेकिन जो कुछ भी हुआ, मेरे हिसाब से फ्राइडे का सत्संग, यानी फ्राइडे का महासत्संग, वॉज द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो मैं आज समझाने जा रही हूँ. और इसीलिए जो मैं आज समझाने तुम्हें जा रही हूँ, वो तुम सब लोग बहुत अच्छे से समझ पाओगे. खासकर जो लोग रोए हैं, वो सब आज के सत्संग को बहुत अच्छे से समझ पाओगे. खासकर जो लोग वेदना में गए हैं, कई पुरुष रो नहीं पाते लेकिन बहुत दुखी हो जाते, उनके सबके चेहरे छोटे हो गए थे. सौरभ प्रभु वगैरह तो पढ़कर आए थे, लेकिन फिर भी आखिर में वो लोग भी अंदर आ गए घर तक. पढ़कर आए थे लेकिन फिर भी उनका चेहरा छोटा था कि कैसे सभा में से उठकर हमारे प्रभु को जाना पड़ा. शायद आपका ही ऐसा था कि अगर प्रभु कह रहे हैं आप जा रहे हैं कि मैं जाऊं, और आप हमें प्रभु चले गए, तब तक हम लोग क्यों साहस नहीं जुटा पाए. और गुलशन प्रभु ने ठीक ही कहा. कहाँ बैठे गुलशन प्रभु? उन्होंने भी ठीक ही कहा. कहाँ है, दिखाई नहीं दिए. हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ही कहा कि प्रभु हम लोग इतना साहस नहीं जुटा पाए. बुद्धि से जो भी इन सत्संगों को सुनेगा ना, वो साहस नहीं उठा पाएगा. लेकिन जिसने अब हृदय को सक्रिय कर लिया है, जिसकी अनाहत फील जो है वो सक्रिय हो गई है, वो लोग ये साहस भी जुटा पाएंगे कि आज्ञा में हमेशा रहें. और वो ये साहस भी जुटा पाएंगे कि यदि आज्ञा में नहीं रह पाए, तो अपने गुरु को सामने से जाकर अपनी गलती को कबूल कर सके. मुझे बहुत बहुत खुशी है, उस दिन जो हुआ सब रोए धोए, बहुत 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 अच्छा हुआ कि जैसा भी हुआ. लेकिन खुशी मुझे बहुत बहुत इस बात की है कि तुम लोग बुद्धि के स्तर से हृदय के स्तर पर आ गए. और दूसरी बात, तुम्हारा और मेरा स्पिरिचुअल यूनियन, आध्यात्मिक ऐक्यता आरंभ हो गई. क्योंकि जिसने कार्य किया था, जो आज्ञा पालन करके आए थे, वो भी दुखी हुए. और इसलिए दुखी हुए क्योंकि गुरु दुखी हुआ. तो मेरे यहाँ कोई भी घटना घट रही है, उसका प्रभाव तुम पर पड़ा ना, तो इसका मतलब हम लोग कनेक्टेड हो गए. 10 साल लगे तो क्या हुआ, बहुत सस्ता है सौदा और बहुत कम है ये समय. 10 साल में भी तुम किसी सदगुरु जैसी चेतना के साथ हार्दिक संबंध बना सको, तो समझना तुमने अपने मनुष्य जीवन को सफलता की ओर मोड़ दिया है. आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल. यस, यू शुड क्लैप, क्लैप एट द लाउडेस्ट पॉसिबल वे. कभी कभी घटती है ये घटना कि एक साथ इतने सारे लोग हार्दिक संबंध बना पाते हैं. इवन कृपाणुदेव भी जब यहाँ एग्जिस्ट करते थे ना, तो केवल 4 लोग उनके साथ हृदय का संबंध बना पाए थे. सुनने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले, पूजने वाले भी बहुत थे जो उनकी पूजा भी करते थे, लेकिन जो हृदय का मेल होना, हृदय से संबंध बनाना, वो केवल 4 लोग कर पाए थे. भगवान महावीर के साथ तो हृदय मेल जितनों का हुआ, लेकिन मोक्ष तो कोई नहीं जा पाया. यानी कह सकती हूं मैं कि हृदय मेल में कहीं न्यूनता थी. जब जब कोई आध्यात्मिक पुरुष, कोई सनातन पुरुष, कोई पुराण पुरुष इस पृथ्वी पर आता है, तब तब बहुत थोड़े लोग ही उनके साथ हार्दिक संबंध बना पाते हैं. और मैं बहुत खुश हूं इतने में हजारों लोग जो भी सुनते हैं, लाखों तक अब तो व्यूज जा चुके हैं, इन लाखों लोगों के अंदर भी कुछ 100 तो है जिन्होंने मेरे साथ हृदय का संबंध स्थापित कर लिया है. आई एम वेरी वेरी प्लीज्ड एंड हैप्पी फॉर दिस थिंग. तुम्हारा मोगैम्बो खुश हुआ, रियली खुश हुआ. सो वी शट डाउन द चैप्टर ऑफ फ्राइडे. फ्राइडे का चैप्टर खत्म करते हैं यहाँ पर. मैं नाराज नहीं रह सकती, आध्यात्मिक कारण भी है और शाब्दिक कारण भी है, मैंने दोनों बता दिए. और आज से उस चैप्टर को बंद करके नया चैप्टर शुरू करते हैं. लेट्स वेलकम माँ आद्य शक्ति इन द फॉर्म ऑफ नवरात्रि टुडे. माय अल्टीमेट सोर्स ऑफ कनेक्शन, मेरे साधना के सूत्रधार,
और मेरे साधना मार्ग के संपूर्ण स्रोत जो हैं, माँ आद्यशक्ति, एक एक कदम उन्हीं की निश्रा में। आकार नहीं जानती मैं उनका, क्योंकि आकार तो मैंने जब से जाना है तब से परम कृपाणु देव का ही जाना है। निराकार रूप में उनको जाना है, निराकार रूप में उनको महसूस किया है, निराकार रूप में उनका वेदन हुआ है, निराकार रूप में मैंने उनकी मौजूदगी को अपने जीवन में जहाँ तक उपस्थित पाया है, उनकी मौजूदगी को। कितने ही ऐसे पल थे जब कुछ भी सूझता नहीं था आगे का मार्ग। शाब्दिक रूप से मेरे गुरु के वचन मुझे याद आते थे, लेकिन साहस रूप से माँ आद्य शक्ति की उपस्थिति मुझे हमेशा मौजूद होती थी। एंड आई एम बिकमिंग वेरी वेरी लाउड। पिछले 3 वर्षों से भगवान श्री कृष्ण के साथ यात्रा करते हुए आद्य शक्ति का स्वरूप उजागर करने के बाद, यानी भगवद गीता सत्संग नंबर 29, यू ऑल रिमेम्बर, उस हिस्टोरिक सत्संग के बाद से मैंने आद्य शक्ति की अपने जीवन में जो प्रेजेंस है पूरे उजागर करते हुए बिल्कुल खुले रूप में उसको सबको बताना शुरू किया। एंड टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ रिसीविंग दोज एनर्जीज ऑफ आद्य शक्ति माँ। वी ऑल आर रियली द ब्लेस्ड वन कि आज हम इस सभा के अंदर प्रत्यक्ष रूप में मौजूद हैं। सुनेंगे लोग, सालों सालों बाद भी इन सत्संगों को लोग सुनेंगे, लेकिन आज के इस पहले नवरात्रि के दिन जहां तुम्हारा और मेरा हार्दिक संबंध भी बन गया है, और उस दिन हमें 9-9 दिनों की ऊर्जा को लेने के लिए एक साथ प्रत्यक्ष में इकट्ठे हो गए हैं, द ट्रूली ब्लेस्ड वंस टुडे, ट्रूली ब्लेस्ड वंस। धन्यवाद है तुम्हारी योग्यता को और ईर्ष्या है तुम्हारे पुण्यों से। थोड़ा थोड़ा एनवे कि क्या क्या योग हो गया आज, और आज के सत्संग में तो ऐसे कितने कितने योग होने वाले हैं, कितने कितने योग। बहुत अच्छा हुआ तुम कलकत्ता से आ गए, 2 दिन पहले ही साथ में थे लेकिन वापस आई कैन सी हियर, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आज का सत्संग वापस बोल दो, तुम ही लोग बोल दो, ऐतिहासिक होने जा रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा इतना इतिहास हम इतने चंद समय में कैसे बना रहे हैं। वहाँ तो 100-100 सालों में कोई ऐतिहासिक घटना घटती है जिसे हम हिस्ट्री के चैप्टर्स में बंद करके उसके बाद अपने बच्चों को दंड देने के लिए पढ़ाते रहते हैं, लेकिन यहाँ हर 15 दिन में इतिहास बन रहा है। समथिंग मेजर इज गोइंग एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी द विटनेस ऑफ दिस मेजर हैपनिंग अलॉन्ग विद माई सेल्फ एंड अलॉन्ग विद ऑल ऑफ यू। आज से SRM के अंदर एक और नई क्रिया लॉन्च हो रही है। आफ्टर फ्राइडेज हैपनिंग, ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट थी माँ आद्य शक्ति को, एंड therefore दिस क्रिया हैज़ डाउनलोडेड yesterday ओनली, कल ही ये डाउनलोड हुई, और इस क्रिया को मैंने हृदय क्रिया का नाम दिया है। वैसे मैंने आपको पिछले सत्संग में ही बता दिया था कि अगले सत्संग से मैं हृदय पे बात करने वाली हूँ। Isn't it? See, everything is so divinely planned. Everything, तुम्हारा भूल जाना, तुम्हें याद ना आना, आज्ञा को नहीं उठाने की महिमा होना, जो कुछ भी हुआ, तुम देखो तुम तो कठपुतलियां बन के रह गई उस ईश्वर की योजना की। मैंने तो 15 सितंबर के सत्संग में ही बोल दिया था कि मैं अगली बार से हार्ट के बारे में तुम्हें बताना शुरू करूंगी, लेकिन जो भी घटना हुई और उसके बाद मैंने जो स्पिरिचुअल कनेक्शन, द स्पिरिचुअल हार्ट की जो कनेक्शन मैंने फील किया हम सबके बीच में, तो मैंने कल ही माँ को रिक्वेस्ट की कि मुझे अब हृदय क्रिया चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पर हम हृदय क्रिया शुरू कर सकते हैं। एंड बाय द ग्रेस ऑफ माय डियर मदर डिवाइन गॉडेस, द हार्ट क्रिया, द हृदय क्रिया हैज कम। और तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, आश्चर्य, महाआश्चर्य होगा कि पूरा विश्व आज के दिन को, यानी 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के नाम से मनाता है। आश्चर्य,
सो मेनी कोइंसिडेंसेस. इतने सारे कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं क्या? इसे मैं कोइंसिडेंसेस मानकर साइड नहीं रखना चाहती, इसे मैं डिवाइन इंटरवेंशन. हम अपने माँ के हाथों में चल रहे हैं. 15 दिन पहले मेरा बोला जाना, इन 15 दिनों में तुम्हारा बार बार वचनामृत पढ़ने का याद आना और भूल जाना. यही हुआ सबके साथ. पढ़ना है, भूल जाना है, पढ़ना है, भूल जाना, लास्ट क्लास में पढ़ना है. किसी किसी ने तो 530 वचन, कौन था, किसने, संजीव प्रभु ने मुझे मेल किया था कि मैं गलती से 530 पढ़कर आ गया, लेकिन सभा की गंभीरता देखकर मैं बता नहीं पाया. गौतम प्रभु हंस रहे थे, गमला उठाकर मारते उनके सिर पर. तो आप, वो मार अच्छी होती, सीधी हृदय पर लगती, मेरा गमला भी तुम्हारे हृदय को छूता. लेकिन 15 दिन पहले ऐसा बोलना हुआ, तब मुझे भी नहीं पता था. लेकिन कल चूंकि मैं अपनी प्रेजेंटेशन बना रही थी इस आज की क्रिया को लेकर, तो थोड़ा हार्ट के ऊपर रिसर्चेस चल रहे थे, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रही थी आज के सत्संग के लिए, तो मैंने देखा कि वर्ल्ड 29 सितंबर को ही वर्ल्ड हार्ट डे बना रहा है. और ये योजना तो यानी 15 दिन से हम सबके डिवाइन प्लान के अंदर कहीं ना कहीं अंकित हो गई थी. जो डिफॉल्टर्स थे वो भी इस योजना का पार्ट थे, जो डिफॉल्टर्स नहीं थे वो भी इस योजना के पार्ट थे. और आज जो डिफॉल्टर्स थे नहीं थे, जिन्हें ये स्टोरी नहीं पता, लेकिन फिर भी जो आज के सत्संग में आ गए हैं, आप सब इस डिवाइन प्लान के समवेयर, यू ऑल आर द पार्टिसिपेंट्स. सो अद्भुत है आज का सत्संग, एंड आई एम रियली वेरी वेरी एक्साइटेड टू शेयर इट विद यू. Year 2019 has seen lot of क्रियाज. स्वराज क्रिया तो आ गई थी, स्वराज क्रिया लेवल 4 आया था दिसंबर के अंदर, पूरी इस साल की हमारे डेली क्रिया के अंदर. फिर सोहम क्रिया आई, फिर डिटॉक्स मेडिटेशन आया, और आज हृदय क्रिया. इसके लिए भी अपने जीवन में जगह बनाना, क्योंकि तुम जानते हो बुद्धि से सुना हुआ तुम्हें याद नहीं रह पाता, याद रह जाए तो उसको करने का साहस नहीं उठ पाता, संयम नहीं आ पाता. लेकिन यदि तुम आज की दी हुई हृदय क्रिया के अंदर, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट विद द हृदय क्रिया, 125 लोग बिल्कुल तैयार हैं मेरे साथ इस हृदय क्रिया को आरंभ करने के लिए, मीन्स माई फ्राइडे फैमिली जो भी है वो बिल्कुल तैयार है. और जब 125 लोग एक साथ तैयार है, इसका मतलब जैसा कि मैंने कहा था, पूरी कॉन्शियसनेस की का लेवल हमारा उठ जाता है. जो भी उन 125 लोगों के आसपास के लोग हैं, वहाँ पर चेतना का स्तर उन्नत हो रहा है. और जब चेतना का स्तर उन्नत हो रहा है, तो अगेन दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट विद द हृदय क्रिया. सो वी आर इन द परफेक्ट टाइमिंग सेटअप. पिछली बार जो सूत्र लिए थे, उन्हीं सूत्रों के आधार पर मैं समझाना चाहती हूँ. बेटर देन 1000 सहस्र वक्को, मैंने कहा था इन्हीं सूत्रों के आधार पर, अनेक से ये एक श्रेष्ठ है. ऐसी 13 बातें भगवान बुद्ध ने हमें बताई कि 13 सूत्र, 16 सूत्रों के अंदर उन्होंने 13 निश्चय कराए कि इतनों से ये एक श्रेष्ठ है. और अगेन दो नहीं, ओनली वन. बुद्धि इतनों तक पहुंच सकेगी, लेकिन यदि हृदय सक्रिय हो गया तो उस एक तक पहुंच जाएगा. अब ये यात्रा हृदय को इंक्लूड कर रही है, हृदय की तरफ आ रही है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि अब हमारी हृदय की भी बातें चलेगी और ब्रेन की भी बातें चलेगी. उन दोनों के साइंटिफिक डायमेंशन, न्यूरो साइंटिफिक डायमेंशन, न्यूरो साइंस, और उसके साथ साथ न्यूरोलॉजी ऑफ हार्ट, ये सब कुछ अब हमारा इंक्लूड होगा. कुल मिलाकर तुम्हें बस इतना समझना है कि जब हमारा हृदय सक्रिय होता है, तभी सत्पुरुष के वचन को जी पाने की संभावना हमारे जीवन में आरंभ होती है. तो बुद्ध ने इन 13 सूत्रों में कहा कि इतनों के बदले इस एक का चुनाव कर. देखते हैं सूत्रों के माध्यम से. मैं चाहती हूँ इन सूत्रों को एक बार तुम गा जाओ बहुत ही अच्छे ढंग से. तुम्हें वो सूत्र गाने के फॉर्मेट में शायद अब थोड़े थोड़े समझ में आएंगे, लेकिन ये गाने की जो लय है ना, मैं खास इस लय को गवाती हूँ, ये मालकोस लय है. और जब जब उस काल में भगवान बुद्ध या भगवान महावीर, दोनों उस काल में हुए समकालीन, तो जब जब भगवान बुद्ध बोले या जब जब भगवान महावीर के अंदर से ये भाषा जरी
ये कोई भी शब्द जरे तो वो इस मालकाउंस राग के अंदर ही थे जो हमारी भक्ति टीम ने खास प्रिपेयर किए हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ देर, 5 मिनट का आगामी समय इस मालकाउंस राग के अंदर तुम सब डूबने की, खोने की चेष्टा करो। फटाफट 13 पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लें। शुरू करो। वर्ग 8, सहस्र वग्गु। सहस्त्र वर्ग बेटर देन 1,000। सहस्रमपी चेवाचा अनथ पद संहिता एकम अथ पथम सेयो यम सुत्वा उपसम्मति। सहस्रमपी चे गाथा अनथ पद संहिता एकम गाथ पदम सेयो यम सुत्वा उपसम्मति। योच गाथ सतम भासे अनथ पद संहिता एकम धम्म पदम सेयो यम सुत्वा उपसम्मति। सो सहस्रम सहसेन संगामी मानुषे जिने एकम च जेयमत्तानम सवे संगाम जुत्तमो अत्ताह वेजितम सेयो याचायम नितरा प्रजा अत्तदंतस पोसस निचम संयत चारिनो। नेव देवो न गंधबो न मारो सह ब्रह्मुना जितम आपजितम कैरा तथा रूपस जंतुनो। मासे मासे सहसेन यो यजेथ सतम समम एकंच भावितानम मुहूर्तमपि पूजये। सायेवा पूजना सेयो यम चेपस सतम हुतम। यो च वस्स सतम जन्तु अग्निं पिरचरे वने एकं च भावितत्तानं मुहूर्तमपि पूजये। सायेव पूजना सेयो यम चेव ससतम हुतम। यम किंचिट्ठं च हुतम च लोके संवत्सरं यजेय पुप्पेखु। सबं पीतं न च सुभागमेति अभिवादना उजगु तेसु सेयो। अभिवादनशीले स निचं वद्धापचायिनो चत्तारोधं मावडन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। यो च वससतजीवे दुःशीलो असमाहितो एकाहं जीवितं सेयो शीलवन्तः स जायिनो। यो न वससतं जीवे दुपञ्चो असमाहितो एकाहं जीवितं सेयो पञ्यावन्तस्य जायिनो। यो च वससतं जीवे कुसीतो हीनवारियो एकायं जीवितिं सेयो विरियामा वातो दलं। यो च वससतं जीवे अपसमुदयव्ययम् एकाहं जीवितं सेयो पसतोदयव्ययम्। यो न वससतं जीवे अपसम्ममतं पदम् एकाहं जीवितं सेपो पसतो अमतं पदम्। यो च वससतं जीवे
अपसं धम्ममोत् अमम् एकाहं जीवितं सेयो पसतो धम्ममोत्तमम्। धम्मपद की सभी सूत्र किसी न किसी कथा पर आधारित हैं। ऐसे ही इस पूरे 16 सूत्रों के अंदर भी काफ़ी सारी अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन सभी कथाएं एक ही बात की ओर सूचना देती है कि उस समय के लोग इतने सरल थे, इतने समर्पण से भरे हुए थे कि वो चाहे कितनी भी गलतियां करते हों, लेकिन एक बार कोई संबुद्ध पुरुष उन्हें कह दे कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो वो तत्पर हो जाते थे, तुरंत ही अपनी पुरानी जितनी भी क्रियाएं, आडंबर, जो कुछ भी कर रहे थे उन सब को स्टॉप करके इसके ऊपर चलने लग जाते थे। जितनी भी कहानियां मैंने पढ़ी, 16 सूत्र में 16 कहानियां कथाएं हैं, लेकिन हर कथा का निचोड़ बस यही आ रहा था उस समय के जीवों की सरलता कैसी थी। पहली, दूसरी, तीसरी सूत्रों के अंदर कुछ इस प्रकार से कथा आ रही थी। तंबा तंबदाठिक की कथा आ रही है। वो तंबदाठिक जो था वो राजा का चोर घातक था। चोर घातक यानी जो चोरों को सजा देता है। चोरों को फांसी लगानी हो तो फांसी देने का जो काम करता है, यानी अपने जीवन काल के अंदर उसने कितने ही लोगों को मृत्यु के घाट पहुंचाया। जब वो अपने उस जॉब से रिटायर हो जाता है तो उसके बाद उसको लगता है कि अब मुझे अपने संन्यास की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वो बार बार यही सोचता है कि मैंने पूरे जीवन कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, मैंने कितने लोगों को मार डाला है, तो मैं कैसे संन्यास लेकर मोक्ष की तरफ जा सकता हूँ, मेरे तो पाप का अभी कोई अंत ही नहीं होगा। वो बड़ा दुखी रहने लग गया, बड़ा परेशान रहने लग गया, अपने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाकर वहाँ रहने लग गया। उस समय के वैदिक क्रियाकांड जो कुछ भी कह रहे थे वो सब क्रियाकांड करता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ऐसा खेद बना रहता कि मैं मुक्ति का, मैं धर्म का अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कितने पाप किए हैं। ऐसा कभी कभी हमें भी हो जाता है ना कि हमने कितने पाप किए हैं, हम धर्म के अधिकारी, मोक्ष के अधिकारी नहीं है। तो इसको, तंबदाठिक को भी ऐसा लगता था कि मैं मोक्ष का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन फिर भी वो क्रियाएं सारी करता रहता था बुझे बुझे मन से। एक बार ऐसा हुआ कि सारिपुत्त वहां से निकले, बुद्ध के शिष्य वहां से निकले और उन्होंने इसके साथ चर्चा की, वार्तालाप की। इसने अपना खेद का कारण बताया कि मैंने पूरी जिंदगी न जाने, गिनती भी नहीं है मेरे पास, कितने लोगों को मार डाला है। मैं धर्म आराधना करना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे अंदर यही अवरोध बार बार आके खड़ा हो जाता है कि मैंने इतने लोगों को मार डाला है तो मैं धर्म का अधिकारी नहीं हूं। तब सारिपुत्र ने उससे केवल एक बात कही, एक ही सूत्र कहा जो ये पहला सूत्र है। उस पहले सूत्र में उन्होंने यही कहा कि तूने इतने सारे लोगों को मारा है, लेकिन उस मारने के पीछे तेरा भाव उन्हें मार डालने का नहीं था। बस जहां उसको ये स्मरण कराया गया कि वो तेरी औपचारिक क्रिया थी, व्यवहारिक क्रिया थी, तेरी आमदनी का, तेरी जो भी आमदनी थी उसका वो माध्यम था, तो तू उसके लिए कर रहा था, तेरा भाव तो नहीं था उनके प्रति कोई द्वेष का। उसने कहा नहीं, मेरा उनके प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं था। इनफैक्ट कई बार तो उनको मारने के टाइम मेरे भी हृदय के अंदर बहुत तकलीफ होती थी। सारिपुत्र ने केवल उसे इतना समझाया कि इतनी सहस्त्र मार तूने किए हैं, लोगों को मारा है तूने, उनको मार डाला है, लेकिन यदि तेरा भाव वैसा नहीं था तो तुझे उसका पाप नहीं चढ़ेगा। जो बाह्य क्रिया हुई है उसका तू पश्चाताप कर सकता है, और पश्चाताप का मार्ग ध्यान मार्ग से होता हुआ निकलता है। उस ध्यान मार्ग को समझने के लिए तो भगवान बुद्ध के पास जाकर उस ध्यान मार्ग को समझ सकता है। इतना कहते ही वो आगे जाता है, बुद्ध से मिलता है, बुद्ध के पास दीक्षित होता है। कहते हैं बुद्ध के पास जाते ही जिसे मार्ग का संशय चला जाए, बुद्ध के पास जाते ही जिसे मार्ग का संशय चला जाए, जिसे स्व पर का निश्चय हो जाए
कि ये पर है और मैं जो हूँ मैं स्व हूँ, मुझे अपनी खोज करनी है, और जिसे अपनी पूर्व की क्रियाओं का आग्रह छूट जाए। तीन बातें, बुद्ध के पास जाते ही, उसे देखते ही, उनकी बात सुनते ही, जिसे उन पर तुरंत श्रद्धा बैठ जाए तुरंत ही। दूसरी बात, जिसे स्व पर का अनिश्चय जो था उसका गिर जाए, अरे ये अलग है, भाव अलग है और क्रिया अलग है, जिसको ये निश्चय हो जाए। और तीसरा, अब तक की हुई जितनी भी क्रियाएं हैं उसका आग्रह छूट जाए। जब ये तीन घटना घटती थी तो उस समय में बुद्ध ऐसा कहते थे, ये जीव स्तोत्रापन हुआ। स्तोत्रापन यानी स्तोत्र को प्राप्त हुआ, यानी अब ये अपने स्तोत्र की तरफ वापस लौटना शुरू हुआ, यानी अब इसने मार्ग में पहला कदम उठा लिया। तुम्हें ये तीन घटनाएं घटी है, तुम्हें बुद्ध के वचनों में शंका नहीं है, तुम्हें स्व पर का विवेक निश्चय प्रकट हो रहा है, और तुम्हारी पूर्व जड़ क्रियाओं का आग्रह छूट रहा है। जड़ क्रियाओं का, क्रियाओं का नहीं, तुम क्रियाएं नवरात्रि में भी करोगे, अब तुम नवरात्रि में उल्टा और अच्छे से नवरात्रि का गरबा लाओगे। वो लाते हो तुम लोग भी, नवरात्रि का एक छोटा सा मटका आता है, वो मटका किस चीज का प्रतीक है? वो आद्या शक्ति की जो पूरी फॉर्मेशन है वो उसका प्रतीक है। तुम्हारे बिग बैंग से कुछ कुछ रिलेट होता है मटका, तो खास हमारे वहाँ सौराष्ट्र में तो खास लोग यहाँ इन 8 दिनों के लिए गरबी गरबा क्या कुछ भी बोलते हैं वो लाते थे, और उसके अंदर दीप जलाते थे, शाम को उसके आगे आरती करते थे, अपना नृत्य रास गरबा सब कुछ करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन क्रियाओं में से अर्थ खो गया, क्रियाएं रह गई, और बिना अर्थ की क्रियाएं रह गई तो नई जनरेशन ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया कि ये क्या पागलपन है, किसी मटके के आसपास घूम रहे हो। लेकिन वो मटका प्रतीक था पूरे ब्रह्मांड का, वो मटके के अंदर जो प्रकाश हुआ वो प्रतीक था कि बाहर अंधकार था और जब ये ब्रह्मांड की रचना घटी तब प्रकाश हुआ। ये सब प्रतीक को लेकर वो क्रियाएं अब भी करना, आज यहां पर भी वो मटके की स्थापना होने वाली है। खास ये मीनल मिस्त्री प्रभु, धन्यवाद है तुम्हारे हृदय के संबंध को मीनल प्रभु, मैं तो खास कहती हूँ। कहाँ बॉम्बे से भी कल रात को भागती भागती आई हैं, और यहाँ से सत्संग सुन के भाग भाग के शायद बेंगलोर पहुँचेगी। भागते रहते हैं ये लोग, कहीं ना कहीं हार्दिक संबंध कैसा है कि पहले दिन मुझे नवरात्रि के पहले दिन अपने गुरु माँ से, क्या बोलते हो मुझे, श्री गुरु, हाँ श्री गुरु से मुझे मिलना है, तो श्री गुरु से मिलेंगे नवरात्रि के पहले दिन, उनको क्या भेंट दे सकते हैं, तो वो मटका ले आई है पूरे ब्रह्मांड का एक बढ़िया सा स्वरूप बनाकर यहाँ पर। अद्भुत है ये, हृदय का संबंध है। देखो मीनल प्रभु, इसको दूसरों को बताओगे ना, वो जो तुम्हारे अमेरिका में भाई बहन लोग रहते हैं उन सबको बताओगे ना, वो इसे क्या कहेंगे, बोलो बोलो, सब यही बोलेंगे। और जिसका हृदय का संबंध है ना, तो जिन्होंने तालियां बजाई है ना, वो सब कहेंगे क्या भक्ति है। अजय का चेहरा मैं देख रही थी जब वो ताली बजा रहा था, तो उसको लगेगा क्या भक्ति है, इन लोगों को याद कैसे आ जाता है। पर अगली बार तुम सब मत ले आना, यहाँ स्टेज पर खाली ब्रह्मांड ही, इतने सारे ब्रह्मांड पड़े होंगे, एक ब्रह्मांड काफी है। और इनको याद आ गया, ईश्वर के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं हम लोग, उतना सुंदर वो बना के खुद बना कर लाई, सारा जितना भी क्रिएटिव डिजाइनिंग होता है यहाँ पर ऑलमोस्ट यही करती है। अभी तुम्हें पूजा में, धन्य तेरस पूजा में भी जो कुछ मिलेगा, सब पूजा की सामग्री की क्रिएटिव डिजाइनिंग हेड वो खुद ही है, एंड शी हसल डू इट अलोंग विद द टीम। जब किसी बात को हृदय सुनता है ना, तो वो आज्ञा बन जाती है। उसी बात को जब बुद्धि सुनती है ना, तो बहुत अच्छी समझ थी, समझ बन जाती है। यही तुम भागते रहते हो, मेरे साथ भुवनेश्वर आ गए इतने सारे लोग, आधी फ्लाइट तुम लोगों से भरी हुई थी पिछले सत्संग में हम गए। हृदय से जो इस घटना को देखेगा कि सब लोग एक एक दिन के लिए श्री गुरु के साथ भुवनेश्वर जाए, 2 दिन के लिए, एकम का एक दिन और एक दिन तो तुम्हारा घूमने फिरने का था, इसलिए मैं तो एक ही दिन कहूंगी, एक दिन के लिए श्री गुरु के साथ ये लोग सत्संग के लिए भागते हैं। बुद्धि से जो सोचेगा ना, उसे तुम लोग सचमुच के पागल दिखोगे, सचमुच के पागल खाने में जो पागल है ना, उससे भी महापागल तुम लोग हो। लेकिन जो हृदय से इस घटना को देखेगा ना, क्या भक्ति है,
क्या प्रभु की कृपा है कि दो दो दिन के लिए भी, एक एक दिन के लिए भी ऐसे धंधा पानी छोड़कर, और खाली लेडीज नहीं आती, जितनी लेडीज होती है उतने जेंट्स भी होते हैं, सब लोग भाग रहे हैं, क्या भक्ति है? एक ही घटना को हृदय देखेगा ना, अलग बात करेगा, बुद्धि देखेगी ना, अलग बात करेगी। मेरी कोई बात तुम्हारे जीवन में सच हो जाए, चूंकि तुम भक्त हो, हृदय से हर बात को सुनते हो, समझते हो, स्वीकार करते हो, तुम कहोगे हमारे प्रभु की वाणी में ही अतिशय है, उन्होंने कहा और सच हो गया। ऐसा कितनी बार होता होगा ना, प्रभु आपने बोला और सच हो गया। लेकिन इसी बात को कोई बुद्धि से सुनेगा ना, वो कहेगा कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, अच्छे वक्ता है, अच्छा बोल लेती है ये औरत, दो तीन घंटों तक बोल पाती है, आजकल भले पानी पी पी कर बोलती है लेकिन अच्छा बोल लेती है, अच्छी वक्ता है, इसमें तुम्हें इनके वचन पर इतना भरोसा क्यों हो जाता है? तुम्हें लगेगा कि जैसा प्रभु बोलते हैं एकदम वैसी घटना हो रही है। और तुम देखना, आज से तुम्हारे हृदय की धड़कन तुम और क्लियरली सुन पाओगे। अब मैंने आज से ये कहा तुम्हें, तुम्हारे जीवन में होने लगेगा, जहां भक्ति भाव है ना ये घटना घटेगी, और जहां भक्ति भाव नहीं है होगा उसका भी, होगा उसका भी, लेकिन वो क्या कहेगा, व्हाट अ मियर कोइंसिडेंस, प्रभु ने कहा कि आज से तुम्हें हृदय की धड़कन ज्यादा क्लियरली सुनाई देगी, क्या कोइंसिडेंस है, आज भी हो रहा है। नॉट कोइंसिडेंस, इट्स ज्ञान अतिशय, वचन अतिशय ऑफ माई गुरु, ये भक्त को लगेगा। इसलिए भक्त जो होता है ना, वो हृदय से देखता है, हृदय से सुनता है, हृदय से सोचता है, इसलिए उसका देखना सुनना सोचना सब कुछ अलग होता है। यही उसकी संबुद्ध में श्रद्धा है, यही उसको स्व पर का विवेक प्रकटता है, और इसी कारण से उसकी जड़ क्रियाओं का आग्रह जो है वो छूटता है। जड़ क्रियाओं का, क्रियाओं का आग्रह मैंने नहीं कहा, तुम क्रियाएं कर सकते हो। इनफैक्ट आज यहाँ पहली बार SRM के अंदर वन मोर घटना घटने जा रही है, हम माँ आद्य शक्ति की भी आरती उतारेंगे। तुम सब लाए हो ना आरती के दिए, बाद में मुझे याद रहे या ना रहे मैं तुम्हें बता दूं, ये आरती अद्भुत होगी। आज तुम समझ पाओगे इस आरती के मायने और इस आरती के कायदे जो आज मैं कराने जा रही हूँ। आरंभ तो शायद मैं यहीं से कर लूँगी क्योंकि हमारे पीछे भी माँ आद्या शक्ति है, लेकिन उसके बाद तुम स्क्रीन पर वन बाय वन एक आद्या शक्ति की सिंबॉलिक प्रतीति दिखेगी और दूसरी साइंटिफिक। इन दोनों प्रतीतियों की स्क्रीन के सामने हम आरती करने वाले हैं। यानी एक तरफ तुम्हें पूरा बिग बैंग दिखाएंगे और एक तरफ तुम्हें शेरावली माँ भी दिखाएंगे, एक तरफ तुम्हें शिव दिखाएंगे और एक तरफ तुम्हें नक्षत्र दिखाएंगे, दोनों एक साथ दिखाएंगे और हम दोनों की आरती एक साथ करेंगे, हम सब मिलकर। आई एम सो एक्साइटेड, सो थ्रिल्ड। अब बोलो, मार्ग में कौन आ जाता है? बुद्ध ने कहा जिसे बुद्ध पर निश्चय हो जाए, बुद्ध पर संदेह बिल्कुल ना रहे, श्रद्धा हो जाए। ये श्रद्धा किसका विषय है, हृदय का या बुद्धि का? जैसे ही हम श्रद्धा की बात करेंगे कोई नहीं बोलेगा मुझे आप पर पूरी श्रद्धा है, कोई ऐसा बोलता है? क्या बोलोगे? श्रद्धा की बात, प्रेम की बात, मुझे आपसे बहुत प्रेम है, कोई ऐसा बोलेगा? कैसा बोलेगा? ऐसा, मुझे आपके प्रति बहुत आदर है, कहां मुझे आदर है, आदर में मेरा सिर चाहे झुक जाए वो बात अलग है, सिर तो झुकता है लेकिन हाथ कहां जाता है तुम्हारा? हाथ हमेशा हृदय पर जाएगा। हृदय की एक अलग ही महिमा है, हृदय की क्या महिमा है, वो श्रेष्ठ का चुनाव कर सकता है। और हमने 13 सूत्र देखे कि श्रेष्ठ कौन सा है, स्क्रीन पर ले आओ 13 सूत्र। सहस्र वग्गों के अंतर्गत हमने देखा बेटर देन 1000 द बिलीफ ऑफ बुद्धा ऑन क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, लास्ट टाइम पूरा ही देखा था, भगवान बुद्ध के मार्ग में गुणात्मकता और मात्रात्मकता के मूल्यों का स्पष्ट भेद किया गया है। पहले 3 उन्होंने शास्त्र संबंधी बताए थे कि अनेक शास्त्रों से एक शास्त्र श्रेष्ठ है, और ये मैंने बहुत क्लियरली समझाया था कि जब तुम गुरु के साथ चलते हो तो जो वो ले रहे हैं तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, लेकिन जब तुम नए नए आए हो तो एट अ टाइम कोई एक शास्त्र के साथ अपनी यात्रा आगे बढ़ाओ। कभी भगवद गीता देख लिया, कभी अष्टावक्र देख लिया, नॉट लाइक दैट। एक शास्त्र के अनेक पदों से एक गाथा पद श्रेष्ठ है, जो गाथा पद तुम्हारे चेहरे पर
स्माइल ले जाए, और तीसरा लाए थे कि अनर्थ पदों से युक्त 100 गाथाओं से, दूसरी जो 100 गाथाएं वो अनर्थ पद में डाली, एक धर्म पद यानी जो तुम्हारे दिल को छू जाए, दिमाग को छू जाए नहीं, जो दिमाग को छू गई उसने स्माइल दे दी, लेकिन जो दिल को छू जाए, क्योंकि जो छुएगा ना, द वन दैट टचेस दैट हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म, जो छू सकता है वही बदल सकता है, जो छुएगा नहीं वो बदलेगा कैसे? और तुमने देखा नहीं है कि एक दिया यहां पड़ा हो और दूसरा दिया यहां पड़ा हो, इस दिए को मुझे जलाना है तो इस दिए को छूना पड़ेगा, जो रूपांतरण होता है वो छूकर होता है। तो इसलिए तुम लोग लग गए इस होड़ में कि गुरु के चरण छुओ, गुरु के चरण छुओ, गुरु का, क्योंकि कहीं ना कहीं छूना इंपॉर्टेंट है ना। अब गुरु के तुम क्या कर सकते हो, चरण छू सकते हो, और गुरु से क्या अपेक्षा रखते हो, हमारे सिर पर हाथ रख दो शिव प्रभु, जैसा आप उस दिन कह रहे थे, प्रभु एक बार सिर पर हाथ रख दो। हाँ, अंधी परंपरा है ये, अंधी परंपरा, तुम्हें लगता है गुरु छू देगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन बात कुछ और है, जब तुम्हारे हृदय को कोई बात छुएगी ना, वहीं से वो सिग्नल्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे ब्रेन पर मैसेज देना शुरू करेंगे, और ब्रेन पर मैसेज जाएंगे तो न्यूरॉन्स की जो वायरिंग है उसके अंदर चेंज होगा, और जब न्यूरॉन्स की वायरिंग चेंज होगी तो तुम्हारे विचार की पूरी पद्धति बदल जाएगी। अभी मैं समझाने वाली हूँ ये पूरी बात, व्हाट इज दिस। इसलिए हृदय को जो बात छू जाए, और इसलिए तो मैंने सालों तक तुम्हें SRM के अंदर, जब तुम पूछते थे पहले, बहुत ही प्रश्न आते थे गौतम सलेचा प्रभु, पहले बहुत लोग प्रश्न करते थे, हम निश्चय कैसे करें कि गुरु कौन है? आपको भी रहता था ना कि आप अच्छा बोलती हैं ये समझ में आता है, अब हम निश्चय कैसे करें कि आप गुरु हैं, ये निश्चय कैसे हो? और मैंने सालों तक एक ही फ्रेज मैंने यूज किया, कुछ कुछ होता है, और कुछ कुछ कहाँ होता है, यहाँ नहीं, कुछ कुछ के साथ हम क्या लेते हैं, यानी जो व्यक्ति व्यक्तित्व, वचन नहीं, व्यक्ति भी नहीं, ना वो व्यक्ति तुम्हें प्रभावित करता है, ना वो वचन तुम्हें प्रभावित करते हैं, लेकिन उसका पूरा व्यक्तित्व तुम्हें प्रभावित करके जाए, तुम्हारे हृदय को छू जाए, वो तुम्हारा गुरु है। और इसीलिए दौड़ लगा रखी है तुमने भी हर महीने, अच्छा है। तो पहले तीन पद आए हमारे, श्रेष्ठ कौन है शास्त्र में, शास्त्र की अपेक्षा से। चौथा पद हमने जो देखा था, दैट वॉज अवर ऑब्जेक्टिव, हमारा एम क्या होना चाहिए, दूसरों को जीतने के बदले स्वयं को जीतना है। उसके बाद पांचवा, छठा और सातवां जो पद आया वो गुरु के लिए आया, और गुरु के लिए क्या क्या बातें आई 100 वर्षों तक, हजारों हजारों ऑफ दैट टाइम, बुद्धास टाइम, हजारों का दान देने के बदले 24 मिनट्स सदगुरु का आदर करना, हृदय से आदर करना श्रेष्ठ है। 100 वर्षों तक यज्ञ और हवन यानी जड़ क्रियाएं करने के बदले 24 मिनट सदगुरु की भक्ति करना, जैसा उनके पास है वैसा मुझे चाहिए, इस कामना में कोई दोष नहीं है, ये निर्दोष कामना है, जैसा मेरे मर्सिडीज नहीं, वो दोष वाली कामना है, जैसी मस्ती, जैसा प्रेम, जैसा, अभी तो तुम लोगों को मेरे लिए और नए नए एडजेक्टिव्स मिले होंगे ना, उस दिन फ्राइडे शुरू हो गए थे, प्रभु आप तो करुणा का सागर है, दया का समुद्र है, और प्रेम का दरिया है, क्या क्या तुम लोग बोल रहे थे, तो मैं तो हूं, मैंने कहा मना किया, लेकिन तुम्हारे दिल को छूने के लिए इस ढंग से इस बार आई हूं, तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं थी ना, यू आर हैप्पी। एक मुहूर्त 24 मिनट सदगुरु की भक्ति करना कि प्रभु जैसी आपकी करुणा है वैसी हमारे में आ जाए, जैसा दरिया दिल आपका है, आपने माफ भी कर दिया संडे के सत्संग में, हम होते तो 6-6 सालों तक ढोते रहते किसी क्षमापना में जाकर उसको बाहर फेंकते, लेकिन आपने 48 घंटे के अंदर माफ कर दिया, हम बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी भक्ति करना श्रेष्ठ है। पुणिया की चाहत में वर्ष भर यज्ञ हवन करने के बदले एक प्रकृति के अधीन हुआ, प्रकृति यानी माँ आद्य शक्ति, उनके अधीन हुआ सदगुरु, उनकी श्रद्धा करना श्रेष्ठ है। यानी ये आदर, ये भक्ति और ये श्रद्धा, ये कहाँ हो सकते हैं, हृदय में। आज तुम्हारा हाथ बार बार हृदय पर जाना चाहिए, बार बार जितना जाएगा उतनी हृदय क्रिया तुम्हारी अच्छी होगी। उसके बाद आगे के 5 के अंदर उन्होंने आचरण बताया है कि दुशील के 100 वर्ष से शीलवान का 1 दिन अच्छा श्रेष्ठ है, एकाग्रता रहित 100 वर्ष जीने से अच्छा प्रज्ञावान ध्यानी का 1 दिन श्रेष्ठ है, हमने सब कुछ डिस्कस किया था। 10वां आलसी और अनुद्योगी के 100 वर्ष से दृढ़ उद्योगी
फोकस जो कर सकता है उसका एक दिन श्रेष्ठ है। उत्पत्ति विनाश का मनन न करने वाले के 100 वर्ष से उत्पत्ति विनाश का मनन करने वाले का एक दिन श्रेष्ठ है, और लास्ट निर्वाण का स्वरूप न समझने वाले के 100 वर्ष से निर्वाण का स्वरूप समझने वाले का एक दिन श्रेष्ठ है। ये 5 हमारे आचरण के भूमिकाएं बताई थी, और उसके बाद फाइनली उन्होंने कहा था 13th, जिसके अंदर ध्यान उत्तम तप क्या है, तो उत्तम तप के कैटेगरी में उन्होंने डाला कि ध्यान इज द उत्तम तप। और ध्यान में भी उत्तम क्या है, तो ध्यान में उत्तम है देखना। ये सब याद है कि नहीं है? फोकस। शास्त्र, उसके बाद उद्देश्य एम था, उसके बाद सद्गुरु, उसके बाद आचरण, और उसके बाद ध्यान। ये पूरा क्रम है। आप सीधा पहले ध्यान करने लग जाएं बिना सद्गुरु के, सद्गुरु पर श्रद्धा आदर भक्ति हुए बिना काम नहीं होगा। शास्त्रों को रखा इसलिए, मैं क्यों शास्त्रों के माध्यम से पढ़ा रही हूं तुम्हें, क्यों मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं कहती हूँ इसलिए तुम लोग इसे मान लो, एक तो तुम मानोगे नहीं, और ऊपर से ये महिमा उस सनातन काल से चली आ रही है कि शास्त्रों के आधार पर निर्णय कराए जाए। जितने भी निर्णय कराने चाहिए एक सद्गुरु को अपने भक्त को, वो सारे शास्त्रों के आधार पर होने चाहिए। शास्त्रों को हमने उड़ाया नहीं है, हमने शास्त्रों को सबसे ऊपर रखा है। लेकिन जब शास्त्र का उद्देश्य, शास्त्र का की मौजूदगी का उद्देश्य ये है कि वो हमारे को मनुष्य जीवन का जो एम है, उद्देश्य है, उसको फिक्स कराए, तो ये पक्का हो गया। उस मनुष्य जीवन का एम हमारा फिक्स हो नहीं पाता, इसलिए हमारे को चाहिए कोई सद्गुरु जो इन शास्त्रों को भी समझाता है और शास्त्रों के माध्यम से अपने इस जीवन का उद्देश्य भी हमारा दृढ़ कराता है। देखो इन्होंने सद्गुरु को बीच में रखा, ही इज एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। तुम्हारे भी जीवन के केंद्र में जब सद्गुरु आएंगे ना, तब तुम्हारा शास्त्र अभ्यास उद्देश्य को पक्का करेगा, और तुम्हारा आचरण तुम्हारे ध्यान को प्रकट करेगा, या तुम्हारा ध्यान तुम्हारे आचरण को प्रकट करेगा। When Sadhguru is in the center of your life, then only your ध्यान turns into आचरण, और तुम्हारा आचरण तुम्हारी ध्यान की गहराई के अंदर मदद करता है। When Sadhguru is in the center यानी he is in your heart, he कहो शी कहो, gender defects यहाँ नहीं होते। जब वो तुम्हारे हृदय में आते हैं, अब हृदय में आने से क्या होता है, यू रियली स्किप अ हार्ट बीट। कितनी बार ऐसा होता है तुमने ऐसा फील किया, धप देखे यहाँ पर कुछ होता है, जैसे परसों की जो घटना घटी थी। इसलिए मैं कह रही हूँ एक प्रैक्टिकल लाइव डेमो हो गया हम लोगों का, कि तुम सबके हृदय में एक भार फील हुआ, इजंट इट, सबके हृदय में एक भार फील हुआ। जब वो भार फील हुआ, इसका मतलब हृदय वॉज doing more than it was doing normally, isn't it? जो पूरा दिन हृदय काम करता है, जिस तरह से हार्ट में हार्ट से पंप को ब्लड करता है, ब्लड को पंप करता है, उससे ज्यादा काम कर रहा है, तभी तो वो भारी हो गया, नहीं तो वो भारी नहीं हो सकता। जब वो ज्यादा काम करना शुरू करता है, तो यहाँ पर एक भारी थकान, हृदय की भी थकान होती है, तो वो यहाँ पर भारी पने के फॉर्म में शुरू होती है। और जब हृदय ज्यादा तेज धड़कता है, तो हृदय के आसपास है पूरी हमारी अनाहत फील्ड, अनाहत केंद्र भी और अनाहत चक्र भी, तो तुरंत ही ये सक्रिय हो जाती है, इमीडिएटली। अभी तक हमने धम्मपद के सत्संगों में किया क्या? अभी तक हमने पहले माइंड की बात की, यस, माइंड यानी विचार, माइंड यानी विचार। ये विचार का प्रभाव किस पर पड़ा, तो हमारे ब्रेन पर, यस और नो, ब्रेन यानी न्यूरॉन्स, यस। अब ये ब्रेन की जर्नी हम आगे लेके जा रहे हैं। आज का सत्संग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जंक्शन है, अब यहां से हम आगे की जर्नी की तरफ जा रहे हैं। 15 सत्संग हुए, उन 15 सत्संगों तक हमने माइंड और ब्रेन यानी विचार और न्यूरॉन्स के साथ का विचार का जो कनेक्शन है, हमने उसकी बात की। आज ये 16 नंबर के सत्संग के साथ हमारी यात्रा आगे जा रही है। पहले माइंड पर थी,
फिर ब्रेन पर आई, अब हार्ट पर आ रही है, और हार्ट का संबंध है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, क्योंकि तुम लोग साइंस से संबंध नहीं रखते हो, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझा देना चाहती हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव करंट्स फ्लो कर रहे हैं, और साथ में इसमें मैग्नेटिक यानी चुंबकीय फील्ड भी है, विद्युत चुंबकीय फील्ड इसको कहते हैं। इसका मतलब इसके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन का कार्य भी चल रहा है। ये परपेंडिकुलर की फॉर्म में कंटिन्यूस एक वेव्स की तरह चलती रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। बस तुम्हारे लिए इतना ही समझना आवश्यक है, तुम्हारे पूरे शरीर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी करंट्स दौड़ते रहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स दौड़ते रहते हैं, और उसी के साथ साथ कुछ अट्रैक्शन और कुछ रिपल्शन, ये कंटिन्यूसली चल रहा है, तुम चाहो न चाहो। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान छोड़ो, पहले जब हम दैनिक जीवन जीते हैं, तो आप घर पर हो, या आप अपने परिवार के साथ हो, या अपने समाज के साथ हो, आप जहाँ पर भी जाते हो ना कहीं कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो कंटिन्यूसली, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिपेल कर रहे हो, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन का, कुछ ना कुछ ग्राहकता का या रिपल्शन यानी विकर्षण, उन दोनों का कार्य सतत चल रहा है। जब हम ध्यान करते हैं, स्वराज क्रिया या कोई भी मेरे माध्यम से जो भी ध्यान तुम्हें दिया जाएगा, वो सबसे पहले कार्य ये करती है कि वो तुम्हें न्यूट्रलाइज करती है, डिटॉक्स करती है। तुम्हारे जितने सोशल टॉक्सिन्स आ गए हैं, कितने सोशल टॉक्सिन्स होते हैं, तुम इधर उधर कोई पार्टी में चले जाओ तो कितने सोशल टॉक्सिन्स तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो मॉल्स में खाली भटकने चले जाओ, खाली विंडो शॉपिंग, तुम कुछ भी ना खरीदो, लेकिन कितने सारे जो कुछ भी तुमने देखा है उनके थॉट टॉक्सिन्स तुम्हारे दिमाग में घुसते हैं। डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल परेशान मत हो, तुम बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन अगर तुम क्रिया को साथ साथ कर रहे हो, स्वराज क्रिया को भी, ध्यान जो भी मैं बता रही हूँ उनको साथ साथ कर रहे हो, तो हमारी चेष्टा रहती है कि हर ध्यान के माध्यम से तुम जितने टॉक्सिन्स इकट्ठे कर रहे हो वो सारे टॉक्सिन्स डिटॉक्स होते जाए। इसलिए ध्यान की इंपॉर्टेंस को हमेशा याद रखना। तुम्हारा आध्यात्मिक लक्ष्य भी नहीं है, अभी तुम्हें मुक्ति का भी लक्ष्य नहीं है, छोड़ो, हम कहाँ मुक्ति की बात करने, बुद्ध ने कहाँ कहाँ निर्वाण का कुछ, हम भी नहीं कहना चाह रहे, लेकिन यदि तुम सामान्य जीवन भी अच्छा जीना चाहते हो, तुम साम क्योंकि हम लोग कितनी चीज़ों से सराउंडेड हैं, घिरे हुए हैं, और वो हर चीज़ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हमारे अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन का कुछ ना कुछ कार्य कर रही है, और वो सारे इक्वेशंस कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में सेट हो रहे हैं, वो ब्रेन माइंड को मैसेज दे रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन तुम महसूस करोगे जब तुम ध्यान करते हो तो तुम काम डाउन हो जाते हो, यू स्टॉप रिएक्टिंग। व्हाई? तुम धीरे धीरे अपने जीवन को ही देखोगे कि हाँ, पहले जैसा अब नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हर स्वराज क्रिया तुम्हारे सोशल डिटॉक्स कर रही है, एनवायरमेंटल डिटॉक्स कर रही है, तुम्हारे मेंटल डिटॉक्स को डेफिनेटली कर रही है। अभी आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है, छोड़ो, लेकिन एटलीस्ट अ गुड क्वालिटी लाइफ जीने में भी स्वराज क्रिया तुम्हारी मदद कर रही है। इस हार्ट की फील्ड्स कैसी होती है, मैंने जो पिछली बार दिखाया था, दिखाओ वही पिक्चर यहां पर। ये हार्ट फील्ड कैसी है, देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हर इंसान के अंदर ऐसी फील्ड है, इसलिए यहाँ दो लोग दिखा दिए, और हर किसी की फील्ड एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है, और इसीलिए इस परंपरा ने गुरु के निकट आने को बोला। देखो, तुम जितने गुरु के निकट आओगे, निकट समागम में रहोगे, उतनी गुरु की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रहोगे, जहाँ तुम्हें पाप का विचार तक नहीं आ सकता। इजंट इट? तुम्हें घूमने का विचार आएगा? कोणार्क सन टेम्पल के अंदर क्या देखने गए थे आप लोग? सनराइज देखने गए थे ना? सनराइज देखकर आ जाए, वो आ सकता है, लेकिन पाप का विचार नहीं आएगा कि वहां पर जो जो वो मुद्राएं बनी हुई है, चलो ना एक आध ऐसी मुद्राएं भी हम ट्राई करें, वैसा कोई अब्रम सेवन का विचार तुम्हें नहीं आएगा। वाई? बिकॉज यू आर इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ गुरु, और हर किसी के अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। आप देख पा रहे हो, वो हार्ट से होते हुए जा रही है, शरीर के और किसी भाग से होते हुए जाए ना जाए, लेकिन वो हार्ट से होते हुए पूरी, इसका पूरा जो सेंट्रल पार्ट है, दैट इज हार्ट।
हार्ट इज द बेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. वो पैरों से नहीं शुरू होगी, वो हार्ट से शुरू होगी. वहां से शुरू होते होते आप देख रहे हो एक, एक्चुअली डिजिटल डिस्प्ले में वो है, एक लाइन लॉन्गिट्यूड वाइज जा रही है, एक लैटिट्यूड वाइज है, मतलब एक खड़ी है एक ऐसे जा रही है. ये पूरा इस तरह से क्रम इसका बनता रहता है. होता क्या है, ये तुम्हारा ब्रेन है, ठीक है. हमारे अंदर दुनिया भर के द्वंद चलते रहते हैं, डिफरेंसेस, मतभेद, करूं ना करूं, बोलूं ना बोलूं, जाऊं ना जाऊं. कितनी बार ऐसा होता है, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ और कहता है. दिमाग कहता है ऐसा करो, दिल कहता है वैसा करो. कभी दिमाग की सही निकलती है, कभी दिल की सही निकलती है. यू आर नेवर ट्रू के टू होम टू विट टू शुड बी ट्रस्ट. किसका भरोसा करें? कभी दिल की बात मानते हैं तो बिल्कुल सही निकलती है, कभी दिमाग की बात मानते हैं तो बिल्कुल सही निकलती है. और लोग तो ज़्यादातर बूढ़े बुजुर्ग लोग तो ऐसा कहते हैं, दिल की सुनो. दिल की सुन के जब कोई प्यार व्यार में घुस जाते हैं तो कहते हैं कहाँ तुम फंस गए. तो कहीं ना कहीं समझ ही नहीं आता हमें कि दिल और दिमाग का एक कंटिन्यूस वॉरफेयर चलता रहता है. सेम वॉरफेयर एज इट वॉज गोइंग इन द माइंड ऑफ अर्जुन. दिल कह रहा है छोड़ के चला जाऊं, दिमाग कह रहा है नहीं, इन लोगों ने हमारे साथ इतना इतना कुछ गलत किया है. पूरा पूरी फहरिश थी उसके पास, पूरी लिस्ट थी कि इतना कुछ गलत किया है इसने, मैं इसको छोड़ नहीं सकता. और वो दिल और दिमाग का द्वंद, यानी देयर इज नॉन कोहरेंस इन दिस एंड दिस फील्ड. यानी यहां से वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही है, लेकिन यहां की वेव्स कैसी है ये समझाने का ढंग है, क्योंकि और कोई ढंग से नहीं समझाया जा सकता तुम्हें. यहां की वेव्स ऐसी है और यहां की वेव्स बिल्कुल इनकोहरेंट है. उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं. जैसे जैसे कृष्ण ने उसे समझाया, जैसे जैसे एक एक अध्याय आगे बढ़ा, उसके हार्ट की वेव्स थोड़ी आगे आगे आती गई, आगे आगे ऐसे आती गई कि उसके ब्रेन की वेव्स को, जो क्योस था, उसको उसने कैंसिल कर दिया. और इसलिए कृष्ण ने जो बात कही 18वें अध्याय में, अर्जुन बोल सका करिष्ये वचनम तव. कैसे होता है, वीडियो दिखाओ. सी, जब भी हम कोई विचार करते हैं उसकी पहली तरंग हार्ट पर जाती है. तुम्हें समझ नहीं आता क्योंकि तुम इतने संवेदनशील नहीं हो. हम लोग इतने संवेदनशील होते हैं, या कोई भी संत, कोई भी ऋषि महात्मा इतने संवेदनशील होते हैं कि वो पहले विचार पर ही अटक जाते हैं. गलत विचार है तो, सही विचार है तो उसको, उसका फैलाव करते हैं. ये आदमी है, इसके दिमाग के अंदर कोई द्वंद चल रहा है, तो इसके दिल के अंदर से वेव्स उठ रही हैं. देखो ये वेव्स तो उठ रही हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हैं, ये इसके जीवन को इसने बर्बाद करके रखा है. ही इज इन द स्टेट ऑफ अटर क्योस लाइक यू मी, नॉट मी, यू और अर्जुन. जैसे तुम लोग हमेशा संदेहात्मक स्थिति में होते हो, ये भी वैसा ही है. ऊपर कॉस्मिक इंटेलिजेंस है. कॉस्मिक इंटेलिजेंस सतत तुम्हें तुम्हारे जीवन का, इंट्यूटिव इंटेलिजेंस है ये तुम्हें तुम्हारे जीवन का रोड मैप बताने के लिए बैठी है. आया था ना एक सत्संग में, एक है कॉस्मिक डिजाइन और एक है सेल्फ डिजाइन. तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस, जिसके पास सब कुछ पता है, जिसको, जिसके पास सारा डेटा प्लान है, और इसीलिए तो हमारे तीर्थंकर की जब हम बात करते हैं तो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों देख सकते हैं. यानी भविष्य ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है. यस और नो? भविष्य एग्जिस्ट करता है तभी तो वो देख पा रहे हैं. तो यहां पर भी तुम्हारे को क्या करना चाहिए, वो इंटेलिजेंस तुम्हारे को सप्लाई तो करना चाहती है. देख रहे हो येलो येलो डॉट्स दिख रहे हैं यहां पर, मतलब वो सप्लाई देना चाह रही है तुम्हारे थॉट्स तक. रियलिटी, द रियल, द एक्चुअल डिसीजन, द राइट डिसीजन जो है वो तुम तक पहुंचाना चाहती है. लेकिन तुम्हारे माइंड में क्योस है, इसमें उन्होंने वो नहीं दिखाया क्योस, लेकिन माइंड में क्योस है, इसलिए हार्ट की तरंग यहीं की यहीं रह गई. अब ये वीडियो देखना आगे बढ़ेगा, किस तरह से देखना इसे, जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा तुम देखोगे ये वेव्स जो है इसकी, ये बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी. जब ये ब्रेन को कवर कर लेगी तो यहां से जो डेटा है वो अपने आप ब्रेन के अंदर ट्रांसेंड होगा. देखना हाउ ब्यूटिफुली दे हैव शोन इट. अब तुम्हें वो आंख मिल गई है, तुम्हें इस ढंग से इस वीडियो को देखना है. तुम्हारे ब्रेन के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी,
वो एनर्जी तुम्हारे उस न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देगी और वो न्यूरॉन तुम्हारा थॉट बन जाएगा। और इसलिए तुम वो डिसीजन जो भी लोगे ना, दैट विल बी द मोस्ट एप्ट डिसीजन, सबसे राइट डिसीजन होगा तुम्हारी लाइफ का। लेट्स सी दिस वीडियो। ये भी टपकती हैं वीडियोस मेरे पास, आई नेवर सर्च फॉर देम, बट सडनली कोई एक लिंक खुला, मैं कुछ और देखने की कोशिश कर रही थी और ये लिंक खुला और काफ़ी लंबी वीडियो है, लेकिन स्टिल मेरा मन किया कि चल ना देखती हूँ, और तो जहाँ बीच में जहाँ डाला वहाँ वही ये वीडियो, सडनली दिस वीडियो केम अप। एवरीथिंग इज डिवाइनली प्लान्ड। तो जब हमारे अंदर ये कोहरेंस आता है, कोहरेंस यानी संबद्धता, समरसता, हार्ट के पास ही ये पॉसिबिलिटी है। दिमाग कितना भी समझ लेगा लेकिन वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, इस उसकी जो कोहेरेंस है, उसकी जो समरसता है, उसकी जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जो एक्यता है, वो उस पैटर्न में नहीं ला सकता। दिमाग समझ रहा है लेकिन फिर भी दिमाग की जो वेव्स होगी ना, वो हमेशा ऐसी ही होंगी कितना भी समझ जाए। आपको ये लीना प्रभु का मेरा पूरा पूरा सत्संग याद रहता होगा, लेकिन फिर भी ये याद रहना मतलब ब्रेन का काम, और ये ब्रेन यही वेव्स लाएगा, नॉट मोर और लेस देन दिस। लेकिन यदि हृदय से तुम जी रहे हो मेरे साथ, मेरा हंसना तुम्हें हंसाता है, मेरा रोना तुम्हें रुलाता है, मैं एक आज्ञा दूं वो तुम्हें पालन करने के लिए 48 घंटे में तत्पर और तैयार हो जाते हो, इसका मतलब तुम्हारे हार्ट के साथ मेरा संबंध है, और हार्ट की जो वेव्स है ना वो ये वेव्स है। और जब हार्ट की वेव्स जो है वही हमारी कॉस्मिक इंटेलिजेंस की वेव है, तो ये दोनों जब मैच करेगी तभी तुम्हारे ब्रेन को राइट डेटा मिलेगा। राइट इमीडिएटली जो भी तुम्हारा थॉट होगा वो राइट थॉट ही होगा। बहुत सोच सोच के तुम्हें सही निर्णय तक नहीं आना होगा, वो काम अर्जुन करे 18 अध्याय तक। लेकिन तुम उस अवस्था में पहुंच गए हो कि जहां जो भी तुम सोचते हो दैट इज राइट इटसेल्फ, वही राइट है। ये कब होगा? व्हेन योर ब्रेन इज कोहेरेंट, जब तुम्हारा ब्रेन यानी ये मस्तिष्क जो है वो तुम्हारे हृदय के साथ संबद्ध हो गया है, समरस हो गया है, एक्यता स्थापित कर ली है, हार्ट वेव्स और ब्रेन वेव्स वो दोनों एक हो गए हैं, तभी इस तरह की इंटेलिजेंस पॉसिबल है। क्या फायदा होता है, आओ एक पीपीटी देखते हैं। जब तुम्हारा हार्ट और ब्रेन कोहरेंट हो जाते हैं, कोहरेंट यानी दोनों की वेव्स सेम हो गई, समरस, संबद्ध, एक, दोनों एक हो गए, यूनाइट हो गए, दोनों के पैटर्न्स सिमिलर हो गए, तब हम कहेंगे, आओ हम देखते हैं हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। हृदय और मस्तिष्क की समरसता, इसका क्या प्रभाव है जीवन में, आओ देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द हार्ट द ब्रेन एंड द ब्रेन रेडिएटेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब ये हार्ट से वेव्स, कोहरेंट वेव्स शुरू होती है और जितनी इंटेंस होती है, परसों तुम्हें जितना इंटेंस दर्द हुआ, परसों से रिलेट करते जाना, तुम्हें जितना इंटेंस खेद हुआ, तुम जितना इंटेंस रो सके, तुम जितने गहरे पश्चाताप के अंदर गए, इसीलिए महावीर ने पश्चाताप को मुख्य बताया, क्योंकि जितने गहरे तुम पश्चाताप में जाओगे, यहाँ हार्ट से जो वेव्स निकलेगी, हार्ट से अगर हम इस तरह देखें तो ये वेव्स निकल रही है, ये वेव्स ऊपर ब्रेन तक जाएगी, और उसके ऊपर जो है दैट इज द कॉस्मिक इंटेलिजेंस, वो वननेस के अंदर से एक हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी नेगेटिव पॉजिटिव करंट्स और साथ साथ में आकर्षण विकर्षण की पूरी प्रक्रिया हमारे हार्ट के अंदर छुपी है, एंड इट इज 60 टाइम्स मोर पावरफुल देन अवर ब्रेन। लास्ट टाइम भी शायद मैंने बात करी थी, 60 गुना ज्यादा, 7% नहीं, 60 टाइम्स इट इज मोर पावरफुल। देखते हैं क्या क्या इससे फर्क पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड लाओ। हार्ट से ब्रेन पर मैसेज जाता है। रिसर्चेस बताती हैं कि हमारे हार्ट के पास अपना एक न्यूरॉन सिस्टम होता है, जैसा न्यूरॉन सिस्टम ब्रेन में है वैसा ही एक न्यूरॉन सिस्टम हमारे हार्ट के पास भी है। द हार्ट हैज अ सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स दैट हैव बोथ द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी।
उसके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी भी है और लॉन्ग टर्म मेमोरी भी है, और वो जब सिग्नल्स भेजते हैं, जब हार्ट से कोई सिग्नल हमारे ब्रेन की तरफ जाता है तो पूरा इमोशनल एक्सपीरियंस हमारा बदल जाता है। तुम देखो किसी अपने यार को 10 साल बाद मिल रहे हो, वो हवाई जहाज में से उतर रहा है, पहली बार तुम उसकी शक्ल देखो, यहाँ पर हार्ट में क्या होता है, 10 साल हो गए तुम्हें उसको छुए हुए, 10 साल हो गए तुम्हें उसके साथ चाय पिए हुए, लेकिन फिर भी अचानक वो दोस्त तुम्हें मिल जाता है तो उसको देखते यू मिस अ हार्ट बीट हियर, इजंट इट। तो हार्ट के पास, क्योंकि तुमने उसके साथ इतनी भावनात्मक संवेदनशील इमोशनल एक्सपीरियंसेस तुमने पाए थे, तो हार्ट के पास वो लॉन्ग टर्म मेमोरी भी है और हार्ट के पास शॉर्ट टर्म मेमोरी भी है, दोनों मेमोरीज है। जैसे ही समय आता है वो वहां से रेडिएट करता है ब्रेन पर, और ब्रेन उसको रेडिएट करता है, प्रोसेस करता है माइंड के पास इंफॉर्मेशन भेजने के लिए। आगे कहते हैं द हार्ट सेंड्स मोर इन्फॉर्मेशन टू ब्रेन देन वाइस वर्सा, दिल दिमाग को ज्यादा इंफॉर्मेशन भेजता है, और इसलिए तुम्हारे बुजुर्ग कहते थे दिल के सुनो, क्योंकि दिल जो भी दिल के अंदर क्योस नहीं हो सकता, जो ये वाली वेव्स पॉसिबल है ना वो यही है, हृदय के अंदर ये वेव्स ही पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब कृष्णा दुर्योधन को बोलते हैं कि दुर्योधन तू ये युद्ध मत कर, ये गलत है, तो दुर्योधन का क्या जवाब था, मुझे पता है गलत है लेकिन क्या करूं, मुझसे रुका ही नहीं जाता, मैं दुष्टता करना चाहता हूं। हृदय को पता है, दुर्योधन क्या कह रहा है, यानी माय हार्ट इज प्रोसेसिंग दिस वेव, माय हार्ट इज प्रोसेसिंग, आई नो डियर कृष्णा कि ये युद्ध गलत है। दुर्योधन ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं तुम गलत हो कृष्णा, उसने ये कहा मैं जानता हूं मैं गलत हूं, मैं जानता हूं मैं गलत हूं, मतलब माय हार्ट नोज आई एम रॉन्ग, बट क्या करूं, दिमाग में ये वाली खोपड़ी में ये वाली वेव्स पड़ी हैं। इवन तुम भी तो जानते हो, जब तुम वो वचनामृत नहीं पढ़ रहे थे, तुम्हारा हार्ट तुम्हें बार बार याद करा रहा था, पढ़ ले कुछ कर ले आज, लेकिन दिमाग में इतना क्योस था, दिमाग के अंदर इतना कुछ भरा पड़ा था कि तुम हार्ट के सुन नहीं रहे थे। हार्ट से जो भी वेव्स आएंगी वो राइट होंगी, लेकिन हम ऐसे दुष्यम काल में जी रहे हैं कि हमें उन वेव्स को पकड़ना नहीं आता। हम उन वेव्स को सक्रिय कर सके, हम उन वेव्स को पकड़ सके, उसी के लिए आज हम लॉन्च कर रहे हैं हृदय क्रिया। पकड़े कैसे, है ना, समझ ही नहीं आता। हमें तो लगता है अच्छा थॉट भी दिमाग से आया और बुरा थॉट भी दिमाग से आया, हम तो यही सोच लेते हैं। कौन सा थॉट हृदय का है और कौन सा मस्तिष्क का है, हम ये डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते, हाँ कि नहीं, ये दुविधा है। हमें लगता है दोनों ही थॉट तो हमारे दिमाग दे रहे, नहीं, अच्छे और बुरे को छोड़ो, हृदय राइट थॉट देगा। युद्ध करना अच्छा है कि बुरा, बुरा है, लेकिन कृष्ण आज्ञा दे तो अच्छा है। अब युद्ध करना अच्छा है, ये रेडिएशन हृदय से आ सकती है, बुद्धि से आएगी नहीं, और इसलिए 18 अध्याय लग गए उस अर्जुन को समझाने में। युद्ध करना अच्छा है, एकदम विपरीत डायमेंशन पे ले जा रहे हैं बात, लेकिन उस काल और क्षेत्र के हिसाब से वो वाइब्रेशंस लाने में के लिए अर्जुन में इतना इतना समय कृष्ण को लगा। सो द हार्ट सेंड्स मोर इन्फॉर्मेशन टू ब्रेन देन वाइस वर्सा, ब्रेन इतनी इन्फॉर्मेशन हार्ट को नहीं सेंड करता, या अपने स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली हम कहें हार्ट 60 टाइम्स मोर इन्फॉर्मेशन भेजता है। तुम्हारे दिन की जितनी घटनाएं हैं उसमें 60 टाइम्स ज़्यादा लाउड हार्ट बोल रहा है, लेकिन तुम्हें उस हार्ट को सुनना नहीं आ रहा। सो आज जो हम क्रिया शुरू करेंगे उसमें तुम अपने हार्ट को सुन सको, तुम निश्चय कर सको कि यही होगा, यही होना चाहिए, इसलिए वी विल बी डूइंग हृदय क्रिया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट, योर हार्ट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर इमोशन। देखो जैसे जैसे इमोशन बदल रहा है, दिख रहा है हार्ट से शुरू हो रहा है, वो हार्ट से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर इमोशन बदलता जा रहा है तुम्हारा, और वो यहाँ से पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंज होते होते तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड जहाँ तक भी जा सकती है वहाँ तक उसको पूरी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता है। और उसके अंदर मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं पॉजिटिव इमोशंस को लेकर। पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स इन योर बॉडी, तुम्हें शारीरिक लाभ देते हैं पॉजिटिव इमोशंस। अब ये पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं? अच्छा सोचना? नहीं, राइट सोचना। अच्छा सोचने को मैं पॉजिटिव इमोशन नहीं मानती, राइट सोचना यानी पॉजिटिव। आजकल पूरी दुनिया में ना पॉजिटिव सोचो का बहुत
इसकी बहुत वर्कशॉप्स भी होती है, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, तो क्या हम बिल्कुल अंधे हो जाए? कोई मुझे चीट कर रहा है और मेरे को नहीं नहीं चीट नहीं कर रहा, चीट नहीं कर रहा, क्या ऐसा हो जाए? नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट. जब कोई मुझे चीट कर रहा है तब पॉजिटिव इमोशन रखने का मतलब क्या है कि चीट कर रहा है, लेकिन यही चीटिंग मैंने किसी जीवन में उस व्यक्ति के साथ की थी, वो मुझे लौटा कर मेरे इस फाइल को क्लोज करने आया है, उसका धन्यवाद. ये पॉजिटिव थिंकिंग है. पॉजिटिव थिंकिंग का ये मतलब नहीं है कि तुम हर रात को जाकर किसी न किसी बार में बैठे रहो और हर रात को गटकाओ और फिर बोलो कुछ नहीं होगा, हम तो बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, हमें तो कुछ नहीं होने वाला. नो, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये है, तुम जब हर रात पीने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे को बार बार ये रहे कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ, आई नीड टू विड्रॉ फ्रॉम दिस हैबिट. ये बात है. लेकिन आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ही ये डाल दिया है, जो कुछ भी हो रहा है ना सब अच्छा है, सब अच्छा है, ऐसा ही देख के चलो. नहीं, ये विवेक मूर्ता है. ये हम इस मार्ग पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते. दिस इज नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, यानी तुम्हें सही गलत का ही अभी फैसला नहीं हो रहा. यानी जब भी कुछ, अब तुम फ्राइडे को नहीं पढ़कर आए थे, अब आज तो फ्राइडे आए बिना रह नहीं सकता, भले मैंने माफ कर दिया तुम्हें, फ्राइडे को पढ़कर नहीं आए थे. अब अगर तुम पॉजिटिव थिंकर हो, अरे प्रभु तो करुणा के सागर है, हमें माफ कर ही देंगे ना, वॉट्स नॉनसेंस, वॉट इज दैट नॉनसेंस के प्रभु तो करुणा के सागर है ही. हाँ, वो नॉनसेंस नहीं है, वो एब्सोल्युटली सेंसिबल बात है, लेकिन वो माफ कर देंगे ये सोचकर तुम प्रभु की आज्ञा को एकदम ही लाइटली ले डालो. इतनी बार हृदय याद करा रहा है फिर भी तुम उसको नहीं करना चाह रहे, उस टाइम पे ये सोचना प्रभु तो माफ कर देंगे. इवन आप लोगों ने मुझे बोला था, लीना प्रभु आपसे मैंने पूछा था कि क्या किया जाए, प्रभु जी माफ कर दो, ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है. अगर मुझे उनके हृदय को संवेदनशील करना है, उस दिन जो घटना घटी वो ऑपरेशन थिएटर में घटती है. हमारा एक ओटी बन गया था उस दिन, तो अ ग्रेट ऑपरेशन वॉज परफॉर्म्ड ऑन सो मेनी साधक ऑल टुगेदर. व्हाट अ रोबोटिक सर्जरी इट वॉज, इजंट इट. तो होता क्या है कि तुम ये सोचोगे पॉजिटिव, यानी प्रभु तो हो करुणा के सागर है, माफ कर देंगे. कोई सदगुरु ना खाली करुणा का सागर नहीं होता, वो दंड का भी सागर होता है. अगर वो खाली करुणा का सागर हो ना, तो तुम्हारा विकास कभी भी हो ही ना, कभी भी ना हो. तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है कि जन्मों जन्म में ऐसा गुरु मांगना जो दंड भी देता हो, जो रोता भी हो तुम्हारे लिए और रुलाता भी हो, ऐसा ही गुरु मांगना. तो व्हाट इज पॉजिटिव इमोशन? तुम कहोगे हम पढ़कर नहीं जाएंगे, प्रभु तो हमें माफ कर देंगे, कोई बात नहीं. ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये स्वच्छंद है. दिस इज कॉल्ड लाइसेंसियसनेस. ये स्वच्छंद है, ये तुम्हारी आत्मा को सबसे अधिक बाधक है. इस मार्ग पर सबसे बड़ा बाधक तत्व है तो वो यही है, ये पॉजिटिव थिंकिंग. पॉजिटिव थिंकिंग क्या है कि बार बार तुम्हें याद आ रहा है, तुम नहीं कर पा रहे, तो यू आर क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर योरसेल्फ कि मुझे करना है, भले मेरा मन मुझे ये भटका रहा है लेकिन मुझे करना है. ये पॉजिटिव थिंकिंग है उस टाइम में. लेकिन उसको मेरे ऊपर डाल देना कि वो तो माफ कर देंगे, दिस इज नॉट पॉजिटिव थिंकिंग. जब तुम पॉजिटिव थिंकिंग करते हो तो उसका पहला क्या कहा, पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट फिजियोलॉजिकल बेनिफिट. तुम्हारे को शारीरिक लाभ होते हैं, तुम्हारे शारीरिक टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, तुम्हारे को शारीरिक स्फूर्ति फील होती है. तुम देखते हो कितने लोगों को कितनी स्फूर्ति है, तुम मुझे ही देखते होगे कितनी स्फूर्ति होती है, जस्ट बिकॉज वी हैव दैट कोहरेंस ड्यू टू इमोशंस, पॉजिटिव एंड राइट इमोशंस. यू कैन बूस्ट योर इम्यून सिस्टम. तुम्हारा जो पूरा रिसर्चेस हैं, ये जितने भी यहाँ पर वन लाइनर है, लेकिन दे आर द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग 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 ईयर्स ऑफ रिसर्च. विज्ञान ने जो इतने वर्षों तक इस फील्ड के अंदर जो भी रिसर्चेस किए, ये उसके कंक्लूजन्स हैं, उनके रिमार्क्स हैं कि ये तुम्हारे इम्यून सिस्टम को, यानी जो तुम्हारी रोग प्रतिशोध, रोग को रोकने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता का विकास करते हैं. तीसरा कहते हैं पॉजिटिव इमोशंस. अब तुम कहो हाँ दारू पिए और हमारा इम्यून सिस्टम तो ठीक हो जाएगा क्योंकि हम पॉजिटिव इमोशन रखते, कभी होगा? सो नेवर गो बिहाइंड सच थिंग्स. वर्कशॉप्स यही सिखाएंगे पॉजिटिव इमोशन, लेकिन इतनी डिटेल में कौन बताएगा तुम्हें कि पॉजिटिव के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग बातें आती है. पॉजिटिव इमोशंस हेल्प्स द ब्रेन इन क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. मी
मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ तुम्हारे सामने. वेरी इनोवेटिव ब्रेन. इनोवेटिव यानी कुछ भी नया सर्जन किया जा सकता है. नया तो क्या कहूँ, सब कुछ इस ब्रह्मांड में ब्लूप्रिंट के रूप में तो पढ़ा ही हुआ है. मैं नया क्या कहूँ, यस मैं इतना कह सकती हूँ कि वो ब्लूप्रिंट जो भी पढ़ा है वो डाउनलोड होने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है. सब पढ़ा है यहाँ ब्रह्मांड में. स्टीव जॉब्स ने अगर एप्पल का फोन भी बनाया ना, आउट ऑफ नो वेयर एक फोन भी अगदी बनाया, तो उसको बनाने का पूरा कीमिया, पूरा मेथड, पूरी टेक्निक, पूरा ब्लूप्रिंट इस ब्रह्मांड में था. बस स्टीव जॉब्स का ब्रेन एंड हार्ट कोहरेंस होता गया, इस तरह से समरसता होती गई कि वहां से कॉस्मिक इंटेलिजेंस से वो मेथड आता गया कि किस प्रकार से इस फोन को, इस चीज को हमें बनाना है. तो कुछ भी नया नहीं है यहाँ, जो कुछ भी है कहीं ना कहीं वो फ्रीक्वेंसीज पड़ी ही है. एंड फोर्थ, पॉजिटिव इमोशंस कैन इंक्रीज ब्रेन्स एबिलिटी टू मेक राइट डिसीजंस. जितना जितना हम पॉजिटिव इमोशंस में आते हैं, जो सोचा वही राइट होता है. हम लोगों को 10 ऑप्शंस लाके फिर एक को राइट नहीं करना पड़ता. जो सोचा इट टर्न्स आउट टू बी द राइट थॉट. आगे क्या कहते हैं, नेगेटिव इमोशंस की बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. या दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रॉइंग. नेगेटिव इमोशंस कैन क्रिएट अ नर्वस सिस्टम क्योस, बट द पॉजिटिव इमोशंस ब्रिंग कोहरेंस. जितना तुम्हारे पॉजिटिव इमोशंस है, देखो हार्ट की तरफ से पॉजिटिव साइड ऑफ द ग्राफ, ये क्या दिखा रहा है, कोहरेंट तुम्हारी ईएम फील्ड है पूरी. और नेगेटिव साइड, जितने नेगेटिव इमोशंस है तुम्हारे हार्ट, तुम्हारे ब्रेन वेव्स तुम्हारी क्योटिक होती जा रही है, बिल्कुल जैसा मैंने यहां बनाया था वैसा. नेक्स्ट. वाओ, क्यूट बेबी, मदर बेबी ट्रांसमिशन. माँ के पेट में जब बच्चा होता है, इन फीटल डेवलपमेंट द हार्ट फॉर्म्स एंड स्टार्ट्स बीटिंग बिफोर द ब्रेन इज डेवलप्ड. भागवत गीता में भी, भागवत पुराण में, गीता नहीं, भागवत पुराण के अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि पहले हृदय बनता है. कंसेप्शन होने के, फर्टिलाइजेशन होने के 18 से 19 दिन बाद पहला फंक्शनल ऑर्गन जो बनता है वो होता है हार्ट, हृदय. हृदय बनता है 18 या 19वें दिन पर, और दो दिन के अंदर यानी 19, 20 और 21 दिन यानी दो या तीन दिन के अंदर अंदर हार्ट अपना पंपिंग शुरू कर देता है. तुम्हें आश्चर्य नहीं होता, अंधेरे के अंदर, माँ के पेट के अंदर ये सारी घटनाएं, पहला फंक्शनल ऑर्गन जो डेवलप होता है, साइंस भी कह रही है. भागवत के 3rd कैंटोन के अंदर ये बात को बहुत बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया गया. हमारे यहाँ तो जो भी प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, मैं खास उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि भागवत का 3rd कैंटो, 3rd अध्याय जो है उसको खास पढ़ो. उसके अंदर तुम्हारी फीटल डेवलपमेंट की एक एक हफ्ते की स्टेजेस है, जो इतने रिसर्चेस के बाद अब MRI और एक्सरेस के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू हमें मिली है. 5000 साल पहले हमारे ऋषियों ने ये बात कह डाली थी. वंडरफुल. तो 18 दिन के बाद ब्रेन बनता है, सॉरी हार्ट फॉर्म होना शुरू करता है, और उसके 3 दिन के अंदर अंदर हार्ट का पंपिंग मैकेनिज्म जो है वो शुरू हो जाता है. आज विज्ञान भी इस बात को कबूल करता है. और 6 से 7 हफ्ते के बाद, कंसेप्शन के, फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 हफ्ते के बाद ब्रेन बनना शुरू होता है. और उस ब्रेन के 7 हफ्ते के एंड तक, यानी कि 6 हफ्ते पे शुरू हो गया है, तो 7th वीक के एंड तक यानी 15 दिन के अंदर ब्रेन के 3 फोल्ड्स जो होते हैं, याद है तीनों, नियोकॉर्टेक्स, लिम्बिक एंड रिप्टिलियन, ये तीनों फोल्ड्स 7th वीक के एंड तक दिखने लग जाते हैं. और इस पूरे प्रोसेस को हार्ट बिल्कुल अनइंटरप्टेड रूप से परफॉर्म करता है. यानी 18वां दिन कितने में वीक हुआ, 3rd वीक. 3rd वीक से न्यूरॉन ट्यूब्स बननी शुरू हो जाती है. जैसे ही हार्ट पंप करना शुरू करता है, धड़कना शुरू करता है मदर के पेट में, न्यूरॉन की पाइप बननी शुरू हो जाती है. वो न्यूरॉन की पाइप धीरे धीरे ब्रेन का एक ढांचा क्रिएट करती है, और 7वें हफ्ते के एंड तक उस ब्रेन के ढांचे के अंदर 3 कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं. आश्चर्य नहीं होता तुम लोगों को किस तरह से ऑटो प्रोसेस पर, ऑटो मोड पर सब चल रहे हैं. यहाँ एक कपड़ा भी हमें फोल्ड करना हो ना, मुझे तो बड़ी मेहनत लगती है. लेकिन वहाँ ब्रेन के 3 फोल्ड्स, ब्रेन के 3 कंपार्टमेंट्स, किसमें कौन सा न्यूरॉन रहेगा, क्या रहेगा, एवरीथिंग इज डन अंडर दैट स्टेट ऑफ 9 मंथ्स. हु इज द लीडर, करता कौन है शुरू, हार्ट से सारा मैकेनिज्म शुरू होता है. मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ट ओनली इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बट द फर्स्ट, द प्राइमरी
ऑर्गन, क्योंकि हार्ट के पास ही वो ताकत है कि जिसकी ईएम फील्ड्स कॉस्मिक ईएम फील्ड्स के साथ मैच करती है। आगे कहते हैं, मदर्स ब्रेन वेव्स कैन सिंक्रोनाइज टू हर बेबीज हार्ट बीट। जो कुछ भी माँ सोचती है उसका प्रभाव सीधा बच्चे की हार्ट बीट पर बनता है, और जैसा बच्चे की हार्ट बीट होती है वैसा उसका न्यूरॉन पाइप बनता है, जैसा उसका न्यूरॉन पाइप बनता है उस तरह से उसके डेटास का सेग्रीगेशन उसके ब्रेन के अंदर होता है। देयरफॉर इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि इन 9 महीनों के अंदर मदर को, उसमें भी खास फर्स्ट मंथ से ही, उसको किस तरह से खुश रहना है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि औरत को खुश रखो इन दिनों के अंदर। अभी तो इनकी मुरादें इतनी नापाक हो गई हैं, उन्हें ड्रिंक करना है, उन्हें डिस्को में जाना है, उस तरह से खुश नहीं रखना। अगेन वो तो सारा गड़बड़ है अभी, लेकिन सच में इफ़ यू आर रियली रेडी टू ब्रिंग वन क्रिएशन थ्रू यू, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब भी किसी के अंदर ये बेबी डेवलप होना शुरू होता है, आई फील सो गुड। और मैं उसको पहली मेल में यही लिखती हूँ, वाओ द मदर क्रिएशन विल बी वर्किंग थ्रू यू फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स। अपने आप को ब्लेस्ड समझना। और मदर क्रिएशन, द मदर गॉडेस, द डिवाइन मदर के अलावा ये क्रिएशन कोई कर सकता है क्या? सवाल ही नहीं उठता। तो वो मदर की ब्रेन वेव्स का अभी चलो आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, किसी दिन मुझे याद कराना भागवत लेने को तो तब मैं पूरा और डिटेल में शायद समझाऊंगी। लास्ट ओ वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन 29 सितंबर एवरी ईयर। सो इसलिए आई वॉज स्लोली ग्रेजुअली सेंड बाय माई मदर टू ब्रिंग दिस क्रिया ऑन दिस डे। एंड वॉट इज द क्रिया? ब्रिंग द नेक्स्ट पीपीटी, हृदय क्रिया। आप हर क्रिया को उसकी गहनता से, उसके रहस्य से तभी पी पाएंगे जब उसके पीछे स्वराज क्रिया का बैकग्राउंड हो। तो कोई भी ऐसा ना समझे कि अब हम नए आए हैं, स्वराज क्रिया छोड़ो, वो तो 24 मिनट 30 मिनट लंबा समय लेती है, ये तो 10-10 मिनट की क्रियाएं हैं, हम ये कर लेते हैं, लाभ होगा डेफिनेटली। लेकिन अगर पूरी रहस्य से जुड़ना चाहते हैं, इस दिव्य योजना के रहस्य से, इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य से, तो उसके लिए तुम्हें स्वराज क्रिया का बेस चाहिए। आगे आते आते सत्संगों में तुम्हें पता चलेगा कि जो तुमने इतने सालों से स्वराज क्रिया करी, चक्र केंद्र, ब्रेन के अलग अलग हेमिस्फेयर्स को एक्टिवेट करना, ये जो कुछ भी तुमने किया है वो हर एक चीज़ कहीं ना कहीं तुम्हारी नेक्स्ट साधना के साथ कनेक्टेड होती जा रही है। ये सुनो, सब कुछ कनेक्टेड हो रहा है। वी डोंट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, वी बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। हम स्वतंत्रता के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देते, हम इस पर जोर देते हैं कि सब कुछ यहाँ जुड़ा हुआ है, अन्योन्य आश्रित है। वेस्टर्न फिलोसॉफीज इंडिपेंडेंस पर जोर देती है, जीवन में भी स्वतंत्रता पर जोर देती है, स्वतंत्र रहो, अपने मौलिक विचार रखो, लिबर्टी, ये सारी बातें। लेकिन जो हमारी पूर्वीय संस्कृति है ये इंटरडिपेंडेंस, यानी सब कुछ जुड़ा है यहाँ, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। वो अंधकार के अंदर जो बच्चा भी पड़ा है वो भी अंधकार में बिना किसी वायर, बिना किसी पाइप के माध्य शक्ति और अपनी माँ के साथ जुड़ा है। तो यहाँ किसी चीज़ को हम इंडिपेंडेंट कह कैसे सकते हैं? सो वी बिलीव इन द फिलोसॉफी ऑफ इंटरडिपेंडेंस, यहाँ हर चीज जुड़ी है। और इसलिए इस परंपरा ने हर किसी को पूजा, नदियों को पूजा, पेड़ों को पूजा, पहाड़ों को पूजा, मंकी गॉड को पूजा, एलिफेंट गॉड को पूजा कि नहीं, गणेश के रूप में। कोई खुखार है तो उसको भी पूजा, जिसकी लंबी सी यहाँ पर जीभ निकल कर आती है ऐसी काली माँ को भी पूजा, और जो एकदम शांत और सहज भाव में है उसको भी पूजा। इस संस्कृति ने सभी को पूजा। क्यों पूजा? क्योंकि जानते हैं कि कोई भी द्वेष करने लायक नहीं है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, एवरीथिंग। क्या है हृदय क्रिया? नेक्स्ट स्लाइड। एम, उद्देश्य, इसका एम है टू एक्टिवेट अनाहत फील्ड। नया वर्ड आ गया एक, फील्ड। फील्ड जब हम बोलेंगे इसका मतलब आगे पीछे दोनों ले लो। यू हैव टू फील इट इन अ 3 डायमेंशनल फॉर्म नाउ।
आगे और पीछे, जब भी मैं बोलूंगी कि अनाहत फील्ड यानी अनाहत केंद्र और अनाहत चक्र दोनों के साथ में बात कर रही हूँ। टू एक्टिवेट द अनाहत फील्ड यानी केंद्र और चक्र, इन दोनों को थ्रू द कोहरेंट हार्ट बीट, अनाहत क्षेत्र केंद्र और चक्र को हृदय की समरसता धड़कन से सक्रिय करना, हम इसमें हार्ट बीट को यूज करेंगे इस प्रयोग के अंदर। नो आ ऊ म, नो चक्र, नो केंद्र, लास्ट में आएगा बस एक बार, लेकिन पूरी क्रिया के अंदर वी विल यूज अवर हार्ट बीट, कि जो हार्ट बीट एक समरसता के साथ इस तरह से अपनी ऊर्जा, अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगी जो ब्रेन को अपने साम्राज्य में लेगी। इट्स अ वंडरफुल थिंग नाउ टू ब्रिंग कोहरेंस इन हार्ट एंड ब्रेन। नेक्स्ट, हृदय और मस्तिष्क में संबद्धता प्रकट करना। पोस्चर, सिट इन द कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर। ध्यान के लिए सुविधाजनक आसन में ऐसे बैठें कि सिर और मेरुदंड सीधे हों। दैट्स इट बेसिक, क्योंकि ये पीपीटी अब सब जगह फ्लोट हो जाएगी, तुम्हारे व्हाट्सएप पर और सब जगह तुम सबको मिल जाएगी, ताकि तुम्हें याद रहे हृदय क्रिया क्या थी। दीज आर नॉट गाइडेड मेडिटेशंस, क्योंकि तुम्हें अपनी लय के अनुसार करना है। मैं कराऊंगी आज या, और हो सकता है कई बार कराऊं तुम्हें, लेकिन घर पर कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं है, इसलिए हमने इसको पीपीटी में डाल दिया है। तुम लोग कभी भी उसे देखकर उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो सबसे पहला द पोस्चर, सेकंड द हृदय मुद्रा। तुम्हारे थंब के नीचे के भाग में तुम्हारी पहली उंगली टच करेगी, करते जाओ साथ साथ में। तुम्हारी जो बाकी दो उंगलियां हैं, मतलब बड़ी उंगली और रिंग फिंगर, इन दोनों को अंगूठे के ऊपर के भाग में टच करो, और ये वाली जो उंगली है ये स्ट्रेट रहेगी। जो फाइनली कनिष्ठा है, लिटिल फिंगर है, वो तुम्हारी सीधी रहेगी। हैव यू गॉट द मुद्रा? तुम्हारी फोर फिंगर, पहली फिंगर थंब के नीचे इस तरह से कि छूती हो, नाखून ना छूता हो, उंगली छूती हो वेरी जेंटली, और ऊपर की दोनों फिंगर्स इस तरह से कि थंब को छू रही हैं वेरी जेंटली, और ये जो तुम्हारी स्पाइन है, स्पाइन कनेक्ट्स टू दिस लिटिल फिंगर, तो लिटिल फिंगर तुम्हारी स्ट्रेट रहेगी। गॉट द पॉइंट? ओके, नेक्स्ट द प्रैक्टिस। आरंभिक भूमिका जैसा कि हमेशा होता है, आंखों को कोमलता से बंद करें, अभी नहीं, जब मैं बोलूंगी तब। पूरे शरीर को इस प्रकार से शिथिल होने दें कि शरीर का कोई भी हिस्सा दबा हुआ, खींचा हुआ ना हो, रूटीन इंस्ट्रक्शंस। पूरा समय लेकर शारीरिक स्तर पर स्वयं को शांत करें, जिससे क्रिया में आगे बढ़ सके, क्योंकि यदि आप हड़बड़ी में बैठ रहे हैं तो आपके हार्ट बीट्स वैसे ही अलग होंगी। यू हैव टू रिलैक्स योर एंटायर बॉडी, तभी आप ये कर पाओगे, तभी हार्ट बीट को हम अनाहत केंद्र को सक्रिय करने में यूज करेंगे, अनाहत फील्ड को, और वो अनाहत फील्ड तुम्हारे ब्रेन तक ऊपर जाएगी। इसलिए मेक श्योर करना कि चढ़ी हुई सांस में ये क्रिया नहीं करनी, एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न आ जाए उसके बाद करनी है। तुम्हारे ब्रीदिंग पैटर्न को, तुम्हारे हृदय की धड़कन को नॉर्मल करने के लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस, क्रिया का पहला चरण, द फर्स्ट फेज ऑफ द क्रिया। गहरा श्वास ले और पूरा उच्छ्वास छोड़ें 5 times। पूरा लो, पूरा छोड़ो, कोई मूलबंद नहीं लिखा यहाँ, बस पूरा लो, पूरा छोड़ो, ये तुम्हारी हार्ट बीट्स को नॉर्मल करने के लिए है। सेकेंड ऑल्सो, पूरा श्वास लो, होल्ड द ब्रेथ, कोई लंबे समय के नहीं, लिए नहीं होल्ड करेगा कि जिससे तुम्हारी श्वास चढ़ जाए, और उसके बाद उस श्वास को बाहर छोड़ दो। 5 आवृत्ति इसकी। ये 2 preliminary phases हैं क्रिया के। यहाँ से अब हमारी एक्चुअल क्रिया शुरू होती है। गहरा श्वास लें, पूरा श्वास लेंगे आप, कोई इस तरह से श्वास ना लो कि खिंचाव हो रहा है शरीर में। लेट इट बी अ वेरी नेचुरल क्रिया, जितना भर सकते उतना भरो, लेकिन इट शुड बी गहरा, शैलो नहीं होना चाहिए। एक्सहेल कंप्लीटली, उसके बाद पूरा श्वास बाहर निकाल दो। हल्का सा मूलबंध लगाओ, हल्का सा, बहुत टाइट नहीं कि वहां दर्द होने लग जाए, ऐसा कोई नहीं, जैसा हम स्वराज क्रिया में कई बार डिमांड करते हैं वैसा नहीं, एकदम लाइट सा तुम्हारा मूलबंध हो, क्योंकि दिस क्रिया इज मोर फोकस्ड ऑन धड़कन, हार्ट बीट्स, नॉट ऑन एनर्जीज, एनर्जीज के ऊपर नीचे पर नहीं है ये। पूरा श्वास लें, पूरा उच्छ्वास छोड़े, मूलबंध और बाह्य कुंभक, यानी नया श्वास नहीं लेना। बाह्य कुंभक का मतलब है अभी नया श्वास तुम्हें अंदर नहीं लेना, और अब तुम्हें नया श्वास नहीं लिया, पुराना छोड़ दिया, यानी यू आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ ब्रेथ, एब्सोल्युटली आउट ऑफ ब्रेथ, उस समय अपनी हार्ट बीट को सुनो। 5 धड़कन,
चार धड़कन, तीन धड़कन, जितनी भी सुन सकते हो, मेक श्योर वन थिंग, इस तरह से इस क्रिया को करना है कि तुम्हारी सांस फूलनी नहीं चाहिए। हो गया, ये बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, पूरा श्वास लिया, पूरा बाहर छोड़ा 5 times। सेकंड में क्या किया, पूरा लिया, होल्ड किया और फिर हमने उसको छोड़ा 5 times। फिर वापस श्वास सामान्य हो गई, पूरा लिया, थोड़ा सा मूलबन लगाया, पूरा छोड़ दिया उसको और उसके बाद हृदय की धड़कन को 5 धड़कन, 3 धड़कन, 4 धड़कन, जितना तुम सहज भाव से कर सकते हो उतना किया। यहां तक याद हो गई बात? नेक्स्ट, अभी करो मत कोई भी, नेक्स्ट आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर, फोर्थ स्टेप के अंदर पूरा श्वास भरेंगे, फिर पूरा श्वास बाहर छोड़ेंगे और छोटा सा मूलबन लगाएंगे, हल्का सा, और अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुकाएंगे और आगे की तरफ झुका के अब हार्ट बीट को सुनेंगे हम, जैसे तुम सोहम क्रिया में झुकाते हो ना, वैसे झुका कर अब तुम हार्ट बीट को सुन रहे हो। इसके 5 cycles। मेक श्योर कहीं पर भी सांस चढ़नी नहीं चाहिए, चढ़ती है तो उसको सामान्य कर लो, थोड़ी देर प्रतीक्षा करके फिर नेक्स्ट साइकिल को, नेक्स्ट आवृत्ति को शुरू करो। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप कम्स, द 5th step। उस 5th step के अंदर हमें गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना है, जैसे हम ऊर्ध्वमुखी मुद्रा में ले जाते हैं। जब हम आगे की तरफ गर्दन लाते हैं तो अनाहत फील्ड का केंद्र प्रभावित होता है, जब हम पीछे की तरफ ले जाते हैं, मेरु मज्जा से जोड़ते हैं, तो अनाहत फील्ड का चक्र जो है वो प्रभावित होता है। द क्रिया इज सेम, पूरा श्वास भरोगे, फिर पूरा श्वास को बाहर छोड़ोगे, हल्का सा मूलबंध लगाओगे, पीछे करोगे। तुम पहले से भी पीछे कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 1 by 1 करना है तुम्हें, तुम पहले से ही ये गर्दन पीछे रख के पूरा श्वास भर रहे हो, पूरा निकाल रहे हो, हल्का सा मूलबंध लगा रहे हो और अपनी हार्ट बीट्स को फील कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो दीज आर द प्राइमरी 5 steps। पहले स्टेप, पहला और दूसरा जो स्टेप है उसके अंदर खाली तुम्हारी हार्ट बीट को हम नॉर्मल कर रहे हैं। तीसरे स्टेप के अंदर स्ट्रेट गर्दन के अंदर तुम्हें हार्ट बीट को फील करना है। चौथे के अंदर झुकी हुई गर्दन में फील करना है और 5वीं के अंदर पीछे मुड़ी हुई गर्दन को तुम्हें फील करना है। यहां तक समझ में आ रहा है? मूव ऑन आगे। 6th क्रिया का तीसरा चरण, लेट द बॉडी रिलैक्स। थोड़ी देर बॉडी को अब रिलैक्स कर दो, एक आध मिनट, आधा मिनट, तुम्हारी श्वास सामान्य हो जाए, यू आर इन सिंक विद द हार्ट बीट्स, तुम्हें लगे कि हाँ अब हार्ट बीट के साथ हम सिंक हो गए हैं, थोड़ी देर विश्राम करो। बट दिस इज नॉट द फाइनल एंड, इसलिए स्टे मोटिवेटेड। मुद्रा तुम्हारी एग्जैक्टली ऐसे ही रहनी चाहिए। अब लास्ट स्टेप इज दैट एंटायर फोकस ऑन अनाहत केंद्र इन सेंटर ऑफ लंग्स एंड अनाहत चक्र इन स्पाइन, फील द यूनिटी ऑफ बोथ ऑफ देम। फाइनल, अब इसको तो जो जितना इंटेंसली करेगा उसको फील होगा, दोनों फील्ड तुम्हारी मर्ज हो रही है और जैसे ही वो दोनों फील्ड तुम्हारी मर्ज होगी, तुम्हारी वेव्स ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगी और ऊपर की तरफ उठेगी मतलब ब्रेन को, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरे ब्रेन को इसके अंदर कवर करते जाएंगे। जितनी यूनिटी, कई बार तुम्हें अनुभव भी नहीं होगा लेकिन यदि तुम इस प्रोसेस से आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे अंदर की जो फील्ड है, तुम्हें आगे पीछे का भाग दोनों यूनाइट होते फील होंगे और वहां से जैसे ही दोनों एक हो जाएंगे ऊपर जाएंगे, एक होते ही ऊपर जाएंगे और तुम्हारे ब्रेन को पूरे हार्ट की EM फील्ड जो है उससे कोहरेंट कर देंगे, उसके साथ एकता स्थापित कर देंगे। समझ आ रही है पूरी बात? आगे क्रिया वहां खत्म हो गई लेकिन उसके बाद यू हैव टू फाइनली विश्राम। अपने पूरे शरीर में हृदय जैसी धड़कन को तुम महसूस करोगे, ये परिणाम है, तुम चेक कर लेना। तुम्हारा पूरा बॉडी यूं स्पंदन में जाएगा। अब भी तुम मेरे साथ करोगे तो पक्का ही जाएगा, घर पे डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंसिटी। फाइनली फोल्ड योर हैंड्स एंड प्रे टू द डिवाइन मदर एंड जेंटली ओपन योर आइज, फाइनल इंस्ट्रक्शन। आगे क्या है, एक और स्लाइड है शायद। कॉशन, सावधानी, हृदय रोग से ग्रस्त साधक इस क्रिया को ध्यान से करें, नहीं करें ऐसा नहीं लिखा, ध्यान से करना। अपनी श्वास को अधिक समय के लिए ना रोके। श्वास जब तुम ज्यादा टाइम के लिए रोक लोगे तभी तुम्हारा हार्ट ज्यादा तेज बीट करने लग जाएगा, वो नहीं चाहिए। तो जो हार्ट डिजीज वाले, वो अब तुम सब नहीं, जो हार्ट डिजीज वाले हैं केवल उनको, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है या हाई बीपी है,
जिनको कोई हार्ट का अटैक आया हुआ है, ऐसे लोग। तो कल ही मैं ये पीपीटी बना रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि कितना अच्छा है कि यंग एजेस में हम लोग ये सब शुरू कर सकें, इजंट इट। आगे, हृदय रोगी क्रिया के दो चरणों के बीच में उचित समय का विश्राम ले। क्रिया के जो दो फेजेस हैं सबके बीच में उचित टाइम लेकर, राइट टाइम लेकर। अब तुम हार्ट के पेशेंट हो तो तुम दुकान पे तो जाते नहीं होगे, तो तुम्हारे पास एनफ टाइम होगा, तो उस एनफ टाइम को अच्छी तरह से यहाँ इन्वेस्ट करो। यदि क्रिया करते हुए दर्द जैसी कोई असुविधा, स्पंदन हो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दर्द होने लग जाए कहीं पे, तुम्हें यहाँ चेस्ट में पेन होने लग जाए, तो उस क्रिया को वहाँ रोक दो, क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को क्रिएट करेंगी। तो स्पंदन होंगे, तुम्हें लगेगा ये क्या हो रहा है, मेरा बीपी अचानक शूट अप हो गया है, तुम्हें ऐसा फील होगा, लेकिन अचानक ऐसे कोई बीपी शूट अप नहीं होता। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द क्रिया, उस कारण से तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। दर्द होगा तो क्रिया को रोकना, लेकिन स्पंदन बढ़ेंगे, पल्सेशन बढ़ेगी, तुम्हारी वाइब्रेशंस बढ़ेगी, तो क्रिया को आगे बढ़ने दो, दैट इज अ राइट साइन। जिस साधक को पेस मेकर लगा है वो ये क्रिया ना करे, बिकॉज अब ये इतनी जगहों पर जाता है ना, ये सत्संग भी इतने हजारों लोग सुनते हैं, सो आई हैव टू मेक ऑल द प्रिकॉशंस कि किसी को पेस मेकर लगा है तो वो ये क्रिया नहीं कर सकता। आर वी ऑन द सेम पेज? आप सब समझ गए हैं, आ जाओ ध्यान के लिए। ये बातें हमारी चलती रहेंगी, टू बी कंटिन्यूड में रखा है सत्संग को मैंने। ऑल दो चैप्टर बदल जाएगा, अब पाप वग्गो पुण्य वग्गो शुरू होगा, लेकिन पाप और पुण्य यही है। पाप किसे कहेंगे अब हम? जब हृदय और ब्रेन की समन्वयता नहीं है, और पुण्य उसे कहेंगे जब इन दोनों में कोहरेंस डेवलप हो गया है। सो दिस चैप्टर विल कीप गोइंग, आई डोंट नो टिल हाउ लॉन्ग। इस बार के लिए खास तुम्हें आदेश, 9 दिन नवरात्रि के शुरू हो रहे हैं, नवरात्रि साधना का समय है तो करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप यदि नवरात्रि साधना करते हैं तो तमस के 3 दिन हैं पहले, फिर 3 दिन रजस के, फिर 3 दिन सत्व के, तुम जैसा करना चाहो तुम्हें छूट है। लेकिन इन 9 दिनों में मेक श्योर करना कि तुम शुरू कर दो। आज तो मैं करवा रही हूँ, बाकी रोज दिन में कम से कम एक बार ये हृदय क्रिया करना, बिकॉज द एनर्जी ऑफ प्लैनेट, इस पूरे ग्रह की अभी जो ऊर्जा है इन 9 दिनों के लिए इतनी, और इनफैक्ट दिवाली तक ये ऊर्जा इतनी ज़्यादा सघन है कि तुम अभी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रेस कर सकते हो, ब्रेन और इसकी कोहरेंस तुम अभी ला सकते हो इसके लिए। सो नवरात्रि साधना करनी है तो करो, नहीं करनी तो हार्ट क्रिया, हृदय क्रिया तो आज से शुरू कर दो। 9 डेज तो पक्का करना, प्रिस्क्रिप्शन है ये, 9 डेज पक्का करना। समय है तो दिवाली तक इसको करते रहो, और उससे भी ज़्यादा समय है तो यू कैन डू इट डेली। ये तुम्हारे हार्ट ब्रेन कोहरेंस का है। जब आप इस क्रिया में प्रवेश करोगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि जो हृदय और बुद्धि का द्वंद्व था ना, वो तुम्हारा खत्म होता जा रहा है। कम नहीं, मैं यही कह रही हूँ, खत्म हो जाएगा इमीडिएटली। यू नो कि हाँ मुझे यही करना है, बात खत्म, और वही राइट डिसीजन होगा तुम्हारा, और ज़्यादा समय नहीं लगता। यदि आप रोज 5-5 मिनट भी ये क्रिया कर रहे हैं, अभी देखना 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-7 मिनट, और आप घर पर करेंगे तो एक्सप्रेस फॉर्म में करेंगे, तो घर पे तो 5-7 मिनट में हो जाएगी, मेरे साथ 10-15 मिनट लग सकते हैं, लेकिन 5-7 मिनट में क्रिया तुम कर सकते हो। इस क्रिया को तुम कभी भी कर सकते हो। सो नो मोर क्वेश्चंस, सुबह करे रात को करे। हृदय तुम्हारा पूरे दिन धड़कता है कि नहीं, पूरी रात भी धड़कता है कि नहीं, तो इस क्रिया का, जैसे हृदय के धड़कने का कोई टाइम नहीं है, ऐसे इस क्रिया को करने का भी कोई समय नहीं है। वेन एवर यू फील लाइट, बट बी लाइट वाइल डूइंग एनी क्रिया, यानी भोजन करके तुरंत बाद कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए। ओके, सो राइट पोस्चर, तुम्हारा सिर और तुम्हारा मेरुदंड सीधा है, गुड, तुम सब तैयार हो। तुम्हारे अंदर हृदय मुद्रा तुम्हारे हाथों में आ गई, ओके। दोबारा दिखाने की जरूरत है किसी को स्क्रीन पर? नहीं। पहली उंगली थम के नीचे, उसके बाद की दोनों उंगलियां थम के ऊपर के भाग को टच कर रही है, आखिरी उंगली सीधी है, सीधा करके रख दो। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता,
चेहरे पर प्रसन्नता का भाव पूरे शरीर को महसूस करो। एक सजग विश्राम की स्थिति होती है ये, जब तुम विश्राम की अवस्था में भी हो और सजगता में भी, यानी शरीर एकदम रिलैक्स बट माइंड इज अलर्ट, मन एकदम सजग है। हृदय क्रिया, ये क्रिया हमारे हृदय और मस्तिष्क के बीच की एकता को स्थापित करती है। विचारों की दिशा एक ओर हो जाती है, निश्चय दृढ़ होने लगते हैं। हृदय और दिमाग के द्वंद खत्म होने लगते हैं। जैसे जैसे अनाहत फील्ड जागृत होती है, वैसे वैसे वो ऊपर की तरफ वेव्स जाती है, जो हमारे मस्तिष्क को हृदय से जोड़ देती है। एक सामंजस्य बन जाता है और इस सामंजस्य के क्षणों में ही द कॉस्मिक इंट्यूशन, द कॉस्मिक इंटेलिजेंस एंटर्स आवर ब्रेन थ्रू सहस्त्रार चक्र। क्रिया का पहला चरण और फर्स्ट स्टेप, पूरा श्वास भरो और पूरा श्वास बाहर निकाल दो। इसकी अपने हिसाब से 5 आवृत्तियां करो। आवृत्ति इस प्रकार से होनी चाहिए कि तुम्हारा श्वास फूले नहीं, फिर भी यदि श्वास फूलता है तो कुछ गैप ले लेकर एक एक श्वास को देखो। फाइव साइकल्स, सभी इस क्रिया में जुड़े, नो फोटोग्राफ्स, नथिंग। ये सबसे उचित समय है इस क्रिया को एक्टिवेट करने का। पांच आवृत्तियां खत्म हो गई हैं, विश्राम। दूसरे स्टेप में प्रवेश करते हैं। पूरा श्वास भरेंगे, श्वास को होल्ड करेंगे पेट में और फिर पूरा श्वास बाहर छोड़ देंगे। कोई मूल बंद की आवश्यकता नहीं है। फाइव साइकल्स, इनहेल डीपली, होल्ड द ब्रेथ, एक्सहेल कंप्लीटली। 5 आवृत्तियां हो जाए तो पुनः प्राकृतिक श्वास पर आ जाना। बहुत स्वाभाविक रूप से करनी है क्रिया, लंबे लंबे श्वास खींचने नहीं है, क्योंकि हृदय को स्वाभाविकता पसंद है। हृदय प्रकृति के सबसे निकट है, इसलिए जोर लगाकर इस क्रिया को नहीं करना, क्योंकि जहां तुम जोर लगाओगे असामान्य हो जाओगे। और आगे बढ़ते हैं, अब वास्तविक क्रिया शुरू होती है। इसके अंदर पहले सुन लें फिर करें। जब हम कहेंगे
तो 5 आवृत्तियों के लिए शुरू करना, पूरा श्वास भरना, फिर पूरा श्वास बाहर निकाल देना, यानी यू आर आउट ऑफ एयर। धीरे से मूल बंद लगेगा, नया श्वास नहीं लेना, और उसी दरमियान हृदय की धड़कन को महसूस करना, 3 धड़कन, 4 धड़कन, 5 धड़कन, जितनी स्वाभाविक रूप से कर सको। प्रसन्नता पूर्वक हृदय मुद्रा को निहारते हुए उंगलियों में हृदय मुद्रा बनी रहे और आरंभ कर दो इस चरण का। फाइव साइकल्स के बाद श्वास सामान्य, और आप महसूस कर पाएंगे कि छाती की लेफ्ट साइड में धड़कन बढ़ रही है। पूरा लेफ्ट तरफ का चेस्ट पल्सेट कर रहा है, स्पंदन में जा रहा है। पांच आवृत्तियां करके विश्राम लो थोड़ा, सामान्य होने दो श्वास। आप महसूस करेंगे कि हृदय का भाग, द लेफ्ट पार्ट ऑफ योर चेस्ट, स्पंदन से भरती जा रही है, धड़कन से भरती जा रही है। अब अगले चरण की ओर जाएंगे। इसके लिए हम गर्दन को आगे की तरफ झुकाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं झुकाना कि गर्दन दुख जाए। हृदय को प्रकृति पसंद है, स्वाभाविकता पसंद है। जब हम कहेंगे तब गर्दन आगे की तरफ झुकाएंगे। आवृत्ति आरंभ करते हुए पूरा श्वास भरेंगे, फिर पूरा श्वास खाली कर देंगे। हल्का सा मूल बंद लगेगा, नया श्वास नहीं लेंगे अभी, और इस दरमियान हृदय की धड़कन को सुनेंगे। 5 आवृत्ति के लिए शुरू कर दो। बी नेचुरल, लंबे लंबे श्वास रोकने नहीं, हृदय को स्वाभाविकता पसंद है।
पांच आवृत्तियां पूरी हो जाएं तो गर्दन सामान्य कर देना। बी विथ योर सेल्फ, अपने साथ हो जाओ। आहा, हृदय की धड़कन को सुन पाना, उसकी संबद्धता बनाना। गर्दन सामान्य, श्वास भी सामान्य, और अगले चरण की तरफ चलते हैं। अगले चरण के लिए आपको गर्दन इस प्रकार से पीछे करनी है कि मेरु दंड की तरफ जाए, हो सके तो मेरु मज्जा दबने दो। यदि गर्दन में दर्द होता है तो इतनी पीछे ना ले जाना, कम से कम ऊर्ध्वमुखी मुद्रा तक आ जाओ। स्मरण रहे, हृदय को स्वाभाविकता पसंद है, तो कहीं भी शरीर में खिंचाव तनाव नहीं होने चाहिए। इस चरण में भी गर्दन पीछे जाएगी, फिर आप पूरा श्वास भरेंगे, पूरा श्वास बाहर निकालेंगे, सेम ही है, मूल बंद लगेगा, कुंभक लगा रहेगा। और इस पोजीशन में तुम्हें हृदय की धड़कन को महसूस करना है। पांच आवृत्तियों के लिए आरंभ करते क्रिया को, गर्दन पीछे और पूरा श्वास भरते हुए। फाइव साइकल्स पूरे हो जाए तो गर्दन सामान्य, अद्भुत है आपका प्रयोग करने का ढंग, बहुत अच्छा। शरीर को थोड़ा विश्राम दें। अंतिम चरण के लिए शारीरिक तैयारी, पुनः शरीर सीधा, मेरुदंड सीधा, सिर सीधा, चेहरे पर स्मित, हृदय मुद्रा सधी हुई, छोटी उंगली एकदम सीधी। और अब सारी एकाग्रता आ जाए अनाहत क्षेत्र में। तुम बहुत आसानी से महसूस कर पाओगे अनाहत केंद्र को। ये धड़कन पूरे क्षेत्र में व्यापक होती जा रही है। फील द स्प्रेडिंग ऑफ वाइब्रेशन। यदि तुम सधे हुए साधक हो तो तुम बीच बीच में कुछ देर श्वास रोक कर इन धड़कनों को महसूस कर सकते हो। लंबे गहरे श्वास लेकर, श्वास रोककर तुम महसूस कर सकते हो अनाहत केंद्र पर स्पंदन का विस्तार। यू कैन विजुअलाइज केंद्र चक्र, इनकी फील्ड्स फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है और ऊपर उठती जा रही है, जैसा कि हमने
इन वीडियोस में देखा भी। सारी एकाग्रता अनाहत फील्ड में। चेहरे पर स्मित लाओ। योर फिजियोलॉजिकल चेंजेस समथिंग एट इनर लेवल। हर मुद्रा का अपना विज्ञान है, अपना अध्यात्म है। बहुत सुंदर। पूरे शरीर को महसूस करो। पूरे शरीर को महसूस करो। फील योर एंटायर बॉडी एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है और सब कुछ इस एनर्जी फील्ड के माध्यम से ही प्रोसेस होता है। यदि हमारा इस एनर्जी फील्ड के साथ तादात्म्य बैठ जाए, समरसता बैठ जाए, ऐक्यता स्थापित हो जाए, तो जीवन में कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं है। लंबे गहरे श्वास। चेहरे पर प्रसन्नता। हृदय मुद्रा को खोलकर प्रार्थना के भाव में आ जाओ। दोनों हाथों को चेहरे के सामने लाओ, हृदय के सामने लाओ, जोड़ दो और सिर को झुका दो मां आदि शक्ति के सामने, शिव के सामने, प्रथम गुरु शिवा उसके सामने। जैसे ही हमारा सिर झुकता है, हृदय सक्रिय होता है। सिर जैसे ही झुकता है, हृदय के निकट आता है और हृदय की तरंगों को सिर के पास आने का अत्यंत सरल तरीका माध्यम मिल जाता है। इसलिए सिर को इस तरह से झुकाओ कि वो हृदय के निकट आए, और जब वो हृदय के निकट आएगा तो हृदय की तरंगें खुद ब खुद मस्तिष्क की तरंगों के पास पहुंच जाएंगी। विद डिवाइन मदर इन अवर हार्ट्स, knowing the swaroop of nature of entire existence, we bow down to that infinite. पूरे ब्रह्मांड के स्वरूप को समझते पहचानते हुए हम उस अनंत आदि शक्ति को हृदय से प्रणाम करते हैं, अपने साथ उनकी एकता को स्वीकार करते हैं। और गर्दन सामान्य हो जाए। दोनों हाथों को खोलकर पहले आंखों पर रखो। इस स्पंदन को आंखों को महसूस होने दो। इसीलिए आज हाथ रब नहीं करवाए, क्योंकि इन स्पंदनों को आंखों तक पहुंचने दो। फील द पल्सेशन और फिर पूरे चेहरे पर घुमाते फिराते हाथ नीचे, आंखें धीरे धीरे खोल दीजिए।
हृदय क्रिया, तुम्हारे हृदय को कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ समरस कर सकने की क्षमता है इसमें। तुमने अभी जो महसूस किया वो स्वाभाविक है, हमारी उपस्थिति में हो जाता है। लेकिन घर पर जाकर यदि आप इस क्रिया का इस ढंग से प्रयोग करते हैं तो निश्चय समझना कि चंद दिनों में ही तुम्हें वो फेरफार महसूस होगा। आज हृदय की इस क्रिया के साथ हृदय के अंदर एक स्पंदन जो प्रकट हुआ है, जो कॉस्मिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के साथ मैच हो रहा है, क्योंकि जैसे तुम्हारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वैसे ही मदर अर्थ की भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। क्या वो चित्र है हमारे पास, मदर अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ चल रही हैं। वहाँ पर कुछ फेरफार नहीं हो सकता क्योंकि वो प्राकृतिक है, वो माँ आद्य शक्ति के संचालन में है। लेकिन तुम्हारे में फेरफार हो सकता है। तुम देख पा रहे हो दोनों की ईएम फील्ड्स हैं। और इस क्रिया तक पहुंचने के लिए स्वराज क्रिया की भूमिकाएं बहुत आवश्यक थी। तुम ऐसे ही नहीं पहुंच सकते, इतने इतने सत्संगों से तुम्हारी बुद्धि की शुद्धि, मन की शुद्धि बहुत आवश्यक थी। तुम ऐसे ही इन स्पंदनों को नहीं ला सकते। ये तो जिसकी चित्त शुद्धि हुई है, और वो 125 लोग तो है ही फ्राइडे फैमिली वाले, जो हृदय से मेरे साथ जुड़े हैं, जिनकी चित्त शुद्धि हुई है, जिनका हृदय चलित होता है अपने गुरु के साथ। और वाई विथ मी, वाई विथ मी, वाई आई एम सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मैं ऑलरेडी उस कॉस्मिक कोहरेंस के अंदर जी रही हूँ। इसलिए जब तुम कॉस्मिक कोहरेंट इंसान के साथ जीना शुरू कर देते हो तो अपने आप तुम उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ ट्यून्ड अप हो जाते हो। विज्ञान तो गहरा है, जितना तुम समझ पाओगे उतना ही समझाओगे। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आज के इस समझ के अंदर तुम्हें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ, और खोलते जाएंगे हम इन्हीं बातों को, और खोलते जाएंगे, पर कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है तुम्हें। जितना आज समझाया समझ में आ रहा है, तुम्हारा हृदय तरंगित हुआ है, कुछ स्पंदन तुम्हें अपने शरीर में फील होने शुरू हो गए हैं। तो आज एक निश्चय करते हैं। तो हम सब तैयार हैं माँ की आरती के लिए। आप सब अपने दिए ज्योत लाए होंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि जो लोग दिए ज्योत ना लाए हों वो आरती मुद्रा में आकर भी ये आरती कर सकते हो। शब्दों को सुनना, स्क्रीन पर दिखाए, अभी रुक जाओ, मत खोलो, जब तक मैं बोल रही हूँ तब तक मत खोलो। और बच्चे, तुमसे मैं खास कहना चाहूँगी, जो भी तुम्हारा नाम है, तुम ध्यान नहीं कर रहे थे तो दूसरे को क्यों परेशान कर रहे थे, वाय नहीं, आपके साथ में जो बैठे हैं, क्या नाम है इनका, नाम क्या है, नाम क्या है आपका, संतोष जी, थोड़ा मन में संतोष रखें अपने, क्योंकि जब दूसरे इतने सघन ध्यान में है तब आप पॉलीथिन का आवाज़ कर रहे हैं और तब आप किताब को पॉलीथिन में डालने की कोशिश कर रहे हैं, डजेंट मेक सेंस, आई डोंट लाइक दिस एटीट्यूड। आंखें बंद करके बैठो अगर तुम्हारा ध्यान नहीं हो रहा, कम से कम फील द स्पिरिचुअल यूनिटी कि सब मेरे लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे से जुड़े हुए लोग, उनके ध्यान में, तुम्हारे आसपास बैठे हुए के ध्यान में विक्षेप डाल रहे, ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए। और कम से कम यहाँ आवाज वाली थैलियाँ ना ला। ओके, सो अभी हम माँ की आरती करेंगे, उससे पहले आज आप अनाउंसमेंट पहले कर डालो ताकि हम आरती के मोड के अंदर यहाँ से जाए एंड एंजॉय दीज 9 फेस्टिव नाइट्स एंड डेज। दुनिया तो तुम्हें नाइट एंजॉय करने को कहेगी, मैं कहती हूँ एंजॉय द डेज। क्योंकि माँ आद्य शक्ति को दिवस और रात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है वो रात्रि का प्रतीक है इसलिए हम रात्रि को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उन्हीं का दूसरा रूप शिव जो है वो दिवस का प्रतीक है। तो उन दोनों को सेलिब्रेट करना, दिन रात 9 डेज बी इन फुल फेस्टिव मूड। उससे पहले कर लो और आरती की तैयारी शुरू करो।
जग जननी जय जय मां जग जननी जय जय भय हारिण भवतारिण भय हारिण भवतारिण भव भामिनी जय जय मां जग जननी जय अजयानंद राशि मां जग जननी जय जय अविकारी अघहारी सकल कलाधारी मैया सकल योगिनी नव नव रूप धरा मां जग जननी जय विवसन विकट स्वरूपा प्रल
परसीति प्रदे मैया इह परसीति प्रदे कालातीता काली कमला तू वरदे मा जग जननी जय जय जननी जय जय मा जग जय